الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين असलक्रम वरम्ल वक्त क्या हाल है सबका अलहदुल्ला कल के पारे में से अहम निकात सादतमंद की तरफ जो सादतमंद की तरह दौड़ लगानी चाहिए अल्लाह की तरफ अल्लाह के कामों के लिए अल्लाह की तरफ दौड़ते हुए सादतमंद बने ना कि अल्लाह से दौड़ते हुए बदबक बने ख्वाहिश वाली जिंदगी दिलों को सख्त कर देती है और ये इल्म और अमल से दूरी का सबब जब आप अल्लाह की खातिर किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसको बता देना चाहिए उसताद जी मैं आपसे अल्लाह की खातिर बहुत मोहब्बत करती हूँ <laughs> अल्लाह सुबहान तैाली आपको इसकी जजा दे और आपसे मोहब्बत करे उस बिना पर के आप अल्लाह की खातिर में करती आप सबसे नबी पाक अलैहि वसल्लम जो भी फरमाती थे वो भी अल्लाह की तरफ से वही होती थी जी नबी अलैहि वसल्लम जो कुछ हमें सिखाते और बताते थे वो भी दरअसल अल्लाह सुबहान तरफ से वही के ज़रिए नाजिल होता था जी अल्लाह की ऐसी हम जो कि कायनत की तमाम वसतों को भर दे जो अल्लाह ताली की इल्म हासिल करना अच्छी नीयत के साथ ये भी इबादत है ठीक अपने फैसलों की बुनियाद गुमान पर नहीं बल्कि सच्चाई पर करनी चाहिए के लिए जन्नत तो होगी मगर रब का खुर नसीब होगा ये सबसे बड़ी जजा है इंसान जो काम भी अल्लाह की रजा के लिए करता है वो अता और इबादत है ठीक। कोई काम नेकी का करे तो इरादा करे तो उससे पूरा करे कर्ज हंसना हलाल माल से दी जाती है खुश दिली से दिया जाता है और देकर एहसान नहीं हाथ खड़ा करे रसूल सल्लल्लाहु सल अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स दो तो ठंडी नमाजें फजर और असर पढ़ेगा वो जन्नत में दाखिल होगा साबिकु इला इंसान का असल दीन उसके घर में ही होता घर वालों की गुहिया ही असल गुआइया होती है। हर सरचश्मा ऊपर से आता है जो बात बहुत खूबसूरत लगी वो कल सूर्य नजम की थी सितारे जा रहे हैं और मोहम्मद से राजे मुनीर बनकर आ रहे हैं नसीहत सिर्फ ईमान वालों को ही फायदा देती है अलबत् नसीहत करते रहना चाहिए घर वालों को सिखाना है चिड़ाना नहीं है जुल्म खत्म नहीं कर सकते तो जुल्म का साथ भी नहीं देना चाहिए जन्नत के लोग उम्मत मोहम्मद से हों इसके हलाल से होना चाहिए और उसमें व आजा नहीं होना चाहिए क़र्ज़ हसना हलाल मार्च से होता है खुश दिली से दिया जाता है अल्लाह की रज़ा के लिए दिया जाता है और एहसान नहीं जताया जाता الله سبحانه وتعالى كي تعریف ایسی ہے جو اسنه خد کی ہے چلیے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي امري وحلل اقتتم من لساني يفقه قولي

और एहसान के साथ अपने बंदों पर फजल फरमाता है उसी के लिए हर किस्म की हमद है सुबह और शाम को हर वक्त और हर लम्हे में मैं उसकी ऐसी हमद बयान करती हूं कि जिससे हम का हक अदा हो और मैं उस तारीफ को शुमार करने की ताकत नहीं पाती उसकी वही शान है जैसा कि उसने खुद अपनी तारीफ की है अट्ठाईसवा पारा سورة المجادلة بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير سورة المجادلة

और अल्लाह से शिकायत कर रही थी और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तू सुन रहा था बेशक अल्लाह ख़ूब सुनने वाला ख़ूब देखने वाला है अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली वो कौन औरत थी वो क्या बात कर रही थी ये ख़ातून जिनके माले मामले में ये आयत नाजिल हुई ये कबीला खजरज की खौला बिन तलबा थी इनके शौहर ओस बिन सामत अंसारी कबीला ओस के सरदार हज़रत उबादा बिन सामिद के भाई थे यहाँ काबिल ज़िक्र बात यह है कि इन सहाबिया की फरियाद अल्लाह सुबहान बारगाह में सुनी गई और फिर ये ऐसा वाकया था कि जिसकी वजह से सहाबा में इन खातून को बहुत खास कदर मंजिलत हासिल हुई थी एक मरतबा हजरत उमर कुछ साथियों के साथ जा रहे थे रास्ते में एक औरत मिली उसने उनको रोक दिया आप रुक गए सर झुकाकर देर तक उसकी बात सुनते रहे जब तक उसने बात ख़त्म न कर ली आप खड़े रहे साथियों में से एक साहब ने अर्ज़ किया अमीरमिन आपने कुरैश के सरदारों को इस बुढ़िया के लिए इतनी देर तक रोके रखा फरमाया जानते भी हो ये कौन है ये खौला बिन तलबा है ये वो औरत है जिसकी शिकायत सात आसमानों पर सुनी गई अल्लाह की कसम अगर ये रात तक मुझे खड़ा रखती तो मैं खड़ा रहता बस नमाजों के औकात पर उससे माज़रत कर लेता तो इससे एक तरफ तो ये पता चलता है कि अल्लाह अल्लाबान सब की सुनता है सिर्फ़ मर्दों की नहीं सुनता औरतों की भी सुनता है और फिर ख़ास तौर पर जिस पर जुल्म हुआ हो लेकिन हम अमूमन अल्लाह को नहीं सुनाते अल्लाह से फरियाद नहीं करते अल्लाह से मदद नहीं मांगते बल्कि अपने मसाइल इंसानों को बताकर ज़्यादा सुकून महसूस करते हैं तो इसमें आप देखिए कि असल मुश्किल ये हुई थी कि इनके शौहर ने इनसे जहार किया था जहार कहते हैं अपनी बीवी को कहना कि तुम मेरी माँ की तरह हो या तुम्हारी पीठ मेरी माँ की पीठ की तरह है यानी एक तरह से आज के बाद मैं तुमसे ताल्लुक़ नहीं रखूंगा दौरे जाहिलियत में तलाक देने का यह भी एक तरीका था तो अब चूँकि इनको इनके शौहर ने इनसे जहार किया तो ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बार बार अर्ज कर रही थी कि अगर हम दोनों में जुदाई हो गई तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी मेरे बच्चे तबाह हो जाएंगे तो एन उसी हालत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और इस मामले में अहकाम नाजिल कर दिए गए और इससे यह भी पता चलता है कि अल्लाह सुबहान बंदों की हल्की आवाज और दूर की आवाज़ और आराम से की हुई बात और रो धो कर की हुई बात सभी सुनता है हज़रत आशा कहती हैं कि वो ख़ातून हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह ताला किस तरह लोगों की बात सुनता है यह औरत घर के एक कोने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुजादला कर रही थी और अपने खामिंद की शिकायत कर रही थी मैंने उसकी बातें नहीं सुनी मैं नहीं सुन सकती थी वो क्या कह रही लेकिन अल्लाह ने आसमानों पर उसकी बात सुन ली <coughs> सुभान अल्लाह यानी अगर आप अल्लाह ताला को चुपके चुपके भी पुकारते हैं तो वो चुपके चुपके वाली आवाज़ भी सुन लेता है क्योंकि वो असमी है मखलूक की आवाज़ें उस पर ख़लत मलत नहीं होती हल्की से हल्की आवाज़ भी सुन लेता है एक को सुनना दूसरे से मशगूल नहीं दूसरे की बात सुनने से मशगूल नहीं करता और ना ही मुख्तलिफ सवाल और मुतालबात उसको किसी मुखालत में डालते हैं और ना ही कसरत से सवाल करने वाले कसरत से अल्लाह को पुकारने वाले अल्लाह ताली को बेजार करते हैं ऐसा भी नहीं अल्लाह ताला किसी की बातों से बेजार नहीं होता यानी सुनने के मामले में जितनी कमजोरियां हम में हैं उनमें से कोई कमज़ोरी अल्लाह सुबहान ताली के अंदर नहीं है अल्लाह सुबहान रात के अंधेरे में स्याह पत्थर पर चलने वाली च्यूटी के कदमों की आहट तक को सुनता है बल्कि उससे भी ज़्यादा मखबी चीज़ों को सुनता है सांस के निकलने से आमदरफ़ से जो आवाज़ पैदा होती उसको भी सुनता है जो खुद इंसान नहीं सुन सकता लिहाज़ा हम सब को अल्लाह के सामने अपनी परेशानियाँ रखनी चाहिए अल्लाह इन्नी अश्कु अवती विल्लत ही व हुवानी अन्नास यानी अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी दुआ इस आर्जी के साथ करें कि ए मैं तेरी बारगाह में अपनी की कमज़ोरी और हीले की कमी और लोगों के पास हकीर होने की शिकायत करता हूँ फिर अल्लाह चीज के बारे में दुआ करें जिसकी आपको कोई परेशानी लगी हुई है इन अल्लाह दुआएं सुनने वाला है अल्ला दीना मिनकुम तुम में से वो लोग जो अपनी बीवियों से जहार कर लेते हैं वो उनकी माएँ नहीं हैं उनकी माएँ तो वही हैं जिन्होंने उनको जन्म दिया है और बिला वो एक नापसंदीदा बात और झूठ कहते हैं बेशक अल्लाह यक़ी बहुत माफ़ करने वाला बहुत बख्शने वाला है यानी तुम्हारे ये कहने से कि तुम्हारी बीवी माँ है माँ नहीं बन जाती माँ तो माँ होती है और बीवी बीवी होती है लिहाजा ये बात बिल्कुल झूठ है और इस्लाम से पहले जहार के नतीजे में मियाँ बीवी एक दूसरे से हमेशा के लिए जुदा हो जाया करते थे और वापसी का कोई रास्ता नहीं होता था लेकिन यहाँ पर उसका कफ़ारा बताया गया और वापसी का रास्ता निकाल दिया गया और वो लोग जो अपनी बीवियों से जहार करते हैं फिर जो उन्होंने कहा उससे रुजू कर लेते हैं तो एक गर्दन आज़ाद करें इससे कबल के वो एक दूसरे को हाथ लगाएं। ये वो बात है जिसकी तुम नसीहत किए जाते हो और जो अमल भी तुम करते हो अल्लाह उससे खूब बाबर है मनीजहार से रुजू की इजाज़त है लेकिन उस वक्त जबकि उसका कफ़ारा दे दिया गया हो और कफ़ारा इन आयात में बता दिया गया है कि उसके लिए एक ग़ुलाम को आज़ाद करना है अगर ये मुमकिन ना हो तो फिर जैसे आजकल ग़ुलाम नहीं होते तो दो महीने के मुतवा रोज़े रखे जाएं और अगर कोई शख्स बुढ़ापे या बीमारी की वजह से रोज़े भी ना रख सके तो फिर साठ मिसकीनों को दो वक्त पेट भर कर खाना खिला दे तो उससे उसका कफ़ारा अदा हो जाता है कफ़ारा अदा करने के बाद मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हलाल होते हैं उससे पहले किसी भी किस्म का ताल्लुक़ हलाल नहीं होता तो इससे आप अंदाजा लगाए कि सिर्फ मुंह से निकली हुई एक बात है जिहार में कही हुई एक बात है लेकिन उस बात से रजू करने के लिए सिर्फ ये नहीं कि सॉरी मुझसे गलती हो गई मेरा ये मकसद नहीं था और बात खत्म नहीं उसके लिए पहले कफारा देना होगा फमल यजिद फसियान मत आ जो कोई गुलाम ना पाए तो दो माह के मुसलसल रोजे रखना है इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे को हाथ लगाएं, फिर जो इसकी भी इस्तात न रखता हो तो साठ मस्किनों को खाना खिलाना है ये इसलिए कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और ये अल्लाह की हदूद हैं और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है बेशक वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो जलील किए जाएँगे जैसे इनसे पहले लोग जलील किए गए थे नाजिल की हैं और काफरों के लिए रसवाकुन अजाब है यहाँ पर खूब भी तू का लफ्स आया है कि वो जलील कर दिए गए यानी गोया के ये हो गया जबकि आइंदा आने वाले वाक़ की तरफ इशारा है कि ये मुशरकिन बदर के दिन जलील कर दिए जाएंगे और ऐसे ही हुआ कि वो उनमें से बहुत से मारे गए और बहुत से क़ैद हुए मुसलमान उन पर गालिब रहे लेकिन इस बात को पहले ही बता दिया गया याद रखिये अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत नहीं करनी चाहिए क्योंकि अल्लाह और रसूल की मुखालफत दुनिया में दिल की बीमारियाँ और आख़रत में अल्लाह का अजाब देती हैं और हलाकत का बायस बनती हैं और जन्नत से महरूमी का बायस रसूल अल्लाह वसल्लम ने फ़रमाया मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उनके जिन्होंने इनकार किया साहबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह इनकार कौन करेगा आपने फ़रमाया कि जो मेरी इताद करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा और जो मेरी नाफ़रमानी करेगा तो यकीनन उसने इनकार किया यौम यबासमल्ला जमिया फ़यनब बिमा अमिलू उस दिन अल्लाह उन सब को उठाएगा और जो इन्होंने अमल किए थे वो उन्हें उनके बारे में बताएगा अल्लाह ने उसे शुमार कर रखा है जबकि ये उसे भूल चुके हैं और अल्लाह हर चीज़ पर गवाह है यानि अल्लाह ने इंसान के तमाम अमाल को गिन कर रखा हुआ है कोई एक चीज़ भी उनमें से छूटी हुई नहीं इंसान को याद नहीं होता कि वो क्या कुछ कह चुका है क्या कुछ कर चुका है लेकिन कल क्यामत के दिन वो सब कुछ इंसान अपने नामा अमाल में लिखा हुआ पाएगा लिहाजा हर ऐसे अमल से बचना चाहिए जो क्यामत के दिन हमारे लिए गम का बायस हो हसरत का बायस हो कि काश मैं अपनी ज़बान से ये बात ना निकालती अब देखे कि किस कॉन्टेक्स में ये बात हो रही है यानी ये भी तो एक बात थी जिहार भी तो एक बात है और फिर इंसान बात अपनी बातों की वजह से पकड़ में आ जाएगा तो अल्लाह ताला से तौबा करते रहना चाहिए और जबान को एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए क्या आपने देखा नहीं कि बेशक अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है तीन लोगों की कोई सरगोशी नहीं होती सरगोशी होती है चुपके चुपके बात करना बिस्पर करना मगर वो उनका चौथा होता है और न पांच की मगर वो उनका छठा होता है और ना इससे कम और ना ज़्यादा मगर वो इनके साथ होता है जहाँ कहीं वो हों जहाँ कहीं ये हों फिर क़्यामत के दिन वो इन्हें बता देगा जो इन्होंने अमल किए बेशक अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है यहाँ तादाद जो है बतौर मिसाल बयान की गई है इसका है मतलब नहीं कि अगर इससे कम तादाद हो या इससे ज़्यादा हो तो फिर अल्लाह नहीं सुनता नहीं इंसान अपने दिल में भी जो बातें कर रहा होता है सेल्फ टॉक जो होती है अल्लाह ताला उससे भी वाकिफ होता है कोई शख्स कहीं भी अल्लाह ताला से छुप नहीं सकता अल्लाह ताला का इल्म हर चीज़ को घेरे में लिए हुए है लिहाजा इंसान को सरगोशियाँ करते हुए भी मोहतात रहना चाहिए यानी ज़ोर से कही हुई बात तो लिखी जाती ही है लेकिन सरगोशियाँ भी लिखी जाती हैं और सरगोशी का वैसे भी हमें मैनर्स बताए गए कि चुपके चुपके कानों में बातें नहीं करनी चाहिए ख़ासतौर पर महफिल के अंदर क्योंकि दूसरों को सस्पेंस हो जाता है कि पता नहीं हमारे बारे में बात ना कर रहे हों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तीन शख्स मौजूद हों तो एक को छोड़कर दो आदमी आपस में सरगोशी ना करें यानी उसको अकेला ना छोड़ दें या उसको गमगीन करेगी बात इतना ज़्यादा एहसास करने के लिए कहा गया हालाँकि हो सकता है कि दोनों की कोई ज़रूरी बात हो लेकिन फिर भी मना कर दिया गया हाँ अगर चार हो और दो को कोई बात करने की जरूरत है तो वो दो कर कर लें और वो दो, वो दो भी कर लेंगे कोई बात अब्बास कहते हैं कि जिस शख्स ने किसी ऐसी जमात की गुफ्तगू सुनने की कोशिश की जो उसे नापसंद करते हैं तो उसके कान में पिघला वीसा डाल दिया जाएगा यानी अगर कोई सरगोशियां कर रहा है तो कान मत लगाए कि ये क्या बातें कर रहा है मैं मतलब सुनू तो सही और जो कोई झूठ मूठ खाब देखने की बात करे उसको जौ के दाने में गिरा लगाने पर मजबूर किया जाएगा जो कि उसके लिए पॉसिबल पा, नहीं होगा। यानी दाने के अंदर तो गिरा कैसे लगे वो तो हाथ ही नहीं आता दीन नजवा। आप देखिए कि सरगोशी बिल्कुल बिस पर छोटी सी चीज है हमारे दीन ने उस पर भी हमें तालीम दी है तो इससे अंदाजा लगाएं कि हमारा दीन किस कदर महजब दीन है और कितना हमें अच्छे मैनर सिखाता है क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो सरगोशी करने से रोके गए थे फिर वो दोबारा वही करते हैं जिससे वो रोके गए थे और वो गुनाह और ज़्यादीती और रसूल की नाफरमानी की सरगोशियाँ करते हैं और जब वो आपके पास आते हैं तो वो आपको उन अल्फाज के साथ सलाम करते हैं जिनके साथ अल्लाह ने आपको सलाम नहीं किया और ये अपने दिलों में कहते हैं कि अल्लाह हमें इस पर सज़ा क्यों नहीं देता जो हम कहते हैं इन्हें जहन्नम ही काफ़ी है जिसमें वो जलेंगे बस वो कितना बुरा ठिकाना है Uh, मदीना के यहूद और मुनाफिकीन जब मुसलमानों के पास से गुजरते थे तो बाहम सर जोड़ के सरगोशियाँ करते और मुसल ताकि मुसलमान ये समझें कि शायद ये उनके खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं और इस तरह वो उनको गमगीन करते थे तो इस ख़ास तौर पर कहा गया कि ऐसी सरगोशियाँ जो गुनाह की बात पर मुश्तमिल हों ज़्यादती और नबी सल वसम की नाफरमानी की बात पर तो ये तो और भी बुरी हैं यादीना आमनु यादीना आमनुदा तनाजई तुम फला तना जो बिल्सम्दवान ए लोगों जो ईमान लाए हो जब तुम बाहम सरगोशी करो तो गुनाह और ज्यादा और रसूल की नाफरमानी की सरगोशी मत करो बल्कि नेकी और तकवा की नेकी और तकवा की यानी अगर सरगोशी करनी ही पड़े तो तकवा की बात की कोई अच्छी बात की और अल्लाह से डरो जिसकी तरफ तुम तो इकट्ठे किए जाओगे यानी जब किसी मुसलमान के साथ आप बैठें किसी मौजू पर गुफ्तु करें तो ऐसी गफ्तु होनी चाहिए कि जिससे दूसरे का ईमान बढ़े ना कि उसका हौसला टूटे ना कि उसके अंदर परेशानियों में इजाफा हो और अगर चुपके से भी बात करनी हो तो उसमें भी नेकी और तकवा को मलहू खातर रखें बेशक सरगोशी तो शैतान की तरफ से होती है ताकि वो लोगों को जो ईमान लाए हैं गमगीन करे यह है शैतान का मकसद हालांकि अल्लाह के इज़न के बग़ैर वो उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं दे सकता और मोमिनों को अल्लाह ही पर तोल करना चाहिए गम का इलाज तवक्ल में है ये बात रट लें पक्की कर लें अपने दिल में जब भी गम आए फ़ौर सोचे नहीं मेरा रब है ना वो मेरी मदद करेगा वो मे वो मुझे तनहा नहीं छोड़ेगा मैं उसका बंदा हूँ उसने मुझे पैदा किया है वो मुझे रिस्क दे रहा है वही मेरी सब बिगड़ी बनाने वाला है तो गम का इलाज तवक्कुल में है जब गम हो तो आप सोचें कि मेरा तवक्कुल किस दर्जे पे है तो ऐसे काम करें कि जिससे आपका तवक्कुल बढ़े या अयुहदीना आमनू इदाकिम तफस्ु फफसहु फफसहू लकुम ऐ लोगो जो ईमान लाए हो जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में कुशादगी पैदा करो तो कुशादगी कर दिया करो अल्लाह तुम्हारे लिए कुशादगी कर देगा और जब कहा जाए उड़ जाओ तो उड़ जाया करो अल्लाह उन लोगों के दर्जात बुलंद कर देगा जो तुम में से ईमान लाए और जो इल्म दिए गए हैं और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खूब बाखबर है इसमें मुसलमानों को मजलिस के आदाब बताए जा रहे हैं मजलिस का लफ्ज़ आम है जो हर उस मजलिस को शामिल है जिसमें मुसलमान खैर और अजर के हसूल के लिए जमा हों जैसे कोई वाज़ नसीहत की मजलिस हो जुमा का ख़ुतबा हो या फिर दरस व तदरीस की कोई मजलिस हो कि उस मजलिस का दायरा बसी रखो ताकि बाद में आने वाले भी बैठ सकें यानी इतनी जगह बनाओ कि लोगों को आके परेशानी ना हो उसका दायरा तंग ना करो और आने वाले को खड़ा ना छोड़ दो या वापस ना चला जाए वो तो जो ऐसा करेगा अल्लाह ताला उसके लिए फ़राख़ी करेगा दुनिया में भी वस्ततें देगा कब्र में फ़राख कर देगा तुम्हारे दिलों में कुशादगी पैदा कर देगा दुनिया और आखिरत की मुश्किलता आसान कर देगा और इसी तरह किसी मजलिस में जाकर किसी बैठे हुए इंसान को ये नहीं कहना चाहिए तुम तो उठ जाओ मैं तुम्हारी जगह बैठना चाहता हूँ जहाँ जगह मिले वहाँ इंसान को बैठ जाना चाहिए रास्तों में नहीं बैठना चाहिए क्योंकि रास्ते में बैठने से दूसरों को गुजरने में तकलीफ़ होती है फिर तो इसी तरह किसी की गर्दन फलान के आगे नहीं जाना चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा खुतबा देते हुए फरमाया उस शख्स को ख़ासतौर पर जो लोगों की गर्दनें फलान के आ रहा था बैठ जाओ तुमने अजियत दी यानी आप जब आप देखें ना आप बैठे हो खुतबा तवज्जो से सुन रहे हो पीछे से कोई आए और फलानग के आपको आगे जाए तो कितनी तकलीफ दह बात है और फिर दूसरा इस शायद में कहा गया कि जब ज़रूरत के तहत तुम्हें उठने को कहा जाए तो उठ जाओ यानी बाजों कोई रस्ते में बैठ जाता है ये किसी ऐसी जगह बैठ जाता है जहाँ उसको नहीं होना चाहिए और कोई आके उठाए कि आप जरा यहाँ से मूव कर जाएँ तो माइंड ना करो और इससे तुम्हारी कोई बेज़ती नहीं होती ना तुम्हारे दर्जे में कोई कमी होती है दर्जा तो ईमान से बढ़ते हैं और वलैीना ऊतुल दर्जात वो लोग जो इल्म दिए गए उनके दर्जात बुलंद होते हैं यानी अगर तुम दर्जों की बुलंदी चाहते हो तो फिर क्या करो इल्म हासिल करो जो तुम्हें दुनिया में भी दर्जात देगा और तुम्हारे दर्जात बुलंद करेगा इज्जत का जरिया बनेगा और आखिरत में भी दर्जात इससे बुलंद होंगे तो फिर इल्म की अहमियत और फजीलत से की बात पता चलती है या अयुदीना आमनू ऐ लोगो जो ईमान लाए हो जब तुम रसूल से सरगोशी करने लगो तो अपनी सरगोशी से पहले कुछ सदका पेश किया करो ये तुम्हारे लिए बेहतर और पाकिजा तर है फिर अगर तुम ना पाओ तो बेशक बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है इस हुक्म देने की वजह यह थी कि हर मुसलमान चाहता था कि नबी अलैहि वसलम से अकेले में बात करे और इससे आपको बहुत तकलीफ होती क्योंकि इस तरह लोगों की अलग अलग, अलग बातें सुनने में बहुत सा वक्त चला जाता था और दूसरे मुसलमान जो ज़रूरतमंद होते थे वो महसूस करते थे तकलीफ महसूस करते तो इसलिए इस रुझान को ख़त्म करने के लिए यह हुक्म दिया गया कि अब अगर तुमने बात करनी है तो उससे पहले सदका करो आ, लेकिन यह हुक्म फिर बाद में मनसूख भी हो गया क्या तुम अपनी सरगोशी से पहले सदक़ात देने से डर गए क्योंकि जिस चीज़ में पैसे इन्वॉल्व हो जाए वो फिर इंसान बड़ी एहतियात से करता है फ्री में हर चीज़ इंसान उसकी कदर नहीं करता फिर जब तुमने ऐसा ना किया और अल्लाह तुम पर मेहरबान हुआ तो नमाज क़ायम करो और जक़ात अदा करो और अल्लाह और उसके रसूल की इतात करो और जो अमल तुम करते हो अल्लाह उससे खूब बाबर है अल्लाह को तुम्हारे सारे अमाल की खबर है तो यह हुक्म इस्तेबावन था और शाक भी था मुसलमानों के लिए तो जल्द मनसूख हो गया और सदक़े का बदल फराइज की अदायगी है क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने उस कौम को दोस्त बनाया जिस पर अल्लाह गज़बनाक हुआ ये ना तुम में से हैं और ना उनमें से और यह झूठी बात पर कस्में खाते हैं हालांकि ये जानते हैं कुरान की रूह से हम जानते हैं कि यहूद पर अल्लाह का गज़ब हुआ था और इशारा मुनाफिक की तरफ़ कि वो मुसलमानों से ज़्यादा उनसे दोस्ती रखते हैं और इस्लाम में दोस्ती के आदाब क्या हैं कि इंसान नेक शख़्स से दोस्ती करे ईमान वालों से दोस्ती करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मोमिन आदमी के अलावा किसी की सोहबत इख्तियार ना करो यानी ज़्यादा देर मत बैठो किसी ऐसे शख्स के पास जिसके अंदर ईमान ना हो और तुम्हारा खाना सिवाय मुत्तकी के कोई ना खाए यानी तुम्हारा माल जो है जब वो कोई नेक इंसान खाएगा यानी कोई मुतकी इंसान तुम्हारा खाना खाएगा आप उसको बुलाते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा जो वो खाएगा उसके जिस्म का हिस्सा बनेगा उससे वो जो नेकी का काम करेगा नमाज़ पढ़ेगा या कोई और काम करेगा तो उसमें तुम्हारा हिस्सा पड़ जाएगा और इसी तरह अगर कोई बुरा आदमी तुम्हारा खाना खा रहा है तो क्या होगा वो जो बुराई करेगा उसमें तुम्हारा हिस्सा हो जाएगा तो असरात कहाँ तक जाते हैं एक छोटे छोटे अमल के इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज़ से फरमा रहे थे एक मर्तबा आगाह रहो बेशक मेरे वालिद की औलाद यानि फलां ख़ानदान वाले मेरे दोस्त नहीं बल्कि मेरा दोस्त अल्लाह है और नेक मोमिन है यानी मोमिनों को नेक मोमिनों से दोस्ती करनी चाहिए आदल अदाबन शदीदा अल्लाह ने उनके लिए सख्त अज़ाब तैयार कर रखा है यानी मुनाफिकीन के लिए यकीनन बहुत बुरा है जो कुछ ये कर रहे हैं इन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है फिर ये दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोकते रहे हैं बस इनके लिए रुसवा करने वाला अजाब है यानी जिस तरह ढाल से दुश्मन के वार को रोका जाता है इसी तरह इन्होंने कस्मों को मुसलमानों की तलवारों से बचने के लिए ढाल बना रखा है कि अपने आप को मुसलमान शो करते हैं इनके माल और इनकी औलाद इन्हें अल्लाह से बचाने में कुछ भी काम ना आएंगे यही लोग आग के साथी हैं ये उसमें हमेशा रहने वाले हैं यानी अगर कोई इंसान ख़ुद मुनाफिक है और उसके बच्चे बड़े नेक हैं तो उन बच्चों की दुआएं या उन बच्चों की नेकियां जो सदका जारिया बन सकती थी वो मुनाफिक के काम नहीं आएंगी जिस दिन अल्लाह इन सब को उठाएगा तो ये उसके सामने भी कस्में खाएंगे जैसे ये तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं और ये समझते हैं कि बेशक ये एक दुरुस्त चीज़ पर हैं ख़बरदार यही यकीनन झूठे हैं शैतान इन पर गालिब आ गया है तो उसने इन्हें अल्लाह का जिक्र भुला दिया यही लोग शैतान का ग्रोह हैं ख़बरदार बेशक शैतान का ग्रोह ही खसारा पाने वाला है यानी उसने जिन चीज़ों के करने का हुक्म दिया है शैतान ने इन्हें उससे गाफिल कर दिया है और जिन चीज़ों से मना किया अल्लाह ने वो उनका इरतकब करवाता है या उन बुरे आमाल को खूबसूरत बना के दिखाता है या तमन्नाओं और आर्जुओं में मुबला करके उनको डिले करवाता कर है तो याद रखिए कि अल्लाह के अल्ला जिक्र से गाफिल ना हो ना खाते वक्त ना सोते वक्त ना जागते वक्त और ना ही ज़िंदगी के दीगर काम करते वक्त इद्दीन अल्लाह व रसूल उला कफिल अदलिन बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मखालफत करते हैं यही जलील तरीन लोग हैं अल्लाह ने लिख दिया है कि मैं और मेरे रसूल ज़रूर गालिब रहेंगे बेशक अल्लाह बहुत कु्वत वाला बहुत ज़बरदस्त है आप उन लोगों को जो अल्लाह और यौम आख़रत पर ईमान रखते हैं उन लोगों से दोस्ती रखते हुए न पाएंगे, उन लोगों से दोस्ती करते हुए न पाएंगे, जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफ़त की अगर अगरचे वो उनके बाप हों या उनके बेटे या उनके भाई या उनका कबीला यही वो लोग हैं जिनके दिलों में उसने ईमान को लिख दिया और अपनी तरफ़ से एक रूह के साथ उनकी ताइद भी की है और वो उन्हें ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी वो उनमें हमेशा रहने वाले हैं अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो उससे राजी हो गए यही लोग अल्लाह का ग्रोह हैं खबरदार बेशक अल्लाह का ग्रोह ही कामयाब होने वाला है तो इससे पता चलता है कि सच्चा मोमिन किसी ऐसे शख्स से दोस्ती नहीं करता जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करता हो क्योंकि ऐसा करना ईमान के मुनाफी है ये दो ये दो मतजाद चीजें हैं इन दो के दिल जुड़ ही नहीं सकते एक वो जिसके दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत है ईमान वालों की मोहब्बत है और एक वो जिनके दिल में ये इन सब की नफरत है जब ईमान मौजूद होगा तो फिर वो ऐसा काम करने ही नहीं देगा सूरत बिस्मिल بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، من ديارهم لأول الحشر، ما ظنأتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وَأَيْدِ المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار سورة الحشر هي سورة يهود كقبيله بنو نزير كبار نازل ہوئی इसीलिए इसको सूरत नजीर भी कहा जाता है सब्बाह माफिस समावती व माफिल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम अल्लाह ही के लिए तस्बीह की है हर उस चीज़ ने जो आसमानों में है और ज़मीन में है और वो ज़बरदस्त खूब हमत वाला है यानी आसमान में फ़रिश्ते तस्बीह करते हैं और ज़मीन में ज़मीनी मखलूक अल्लाह की तस्बीह करती है और ये तस्बीह मखलूक़ के रिस की कुंजी भी है तस्बी करना सदका भी है एक बार तस्बी पढ़ने से ज़मीन व आसमान भर जाते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने सूरज तलु होने और उसके ग़रूब होने से कबल सौ बार सुबहान कहा तो ये उसके लिए सौ ऊँटों से बेहतर है कितनी देर लगती है सौ बार सुबहान अल्लाह कहने से लेकिन सिर्फ हमारी गफलत होती है कि हम इस चांस को मिस कर जाते हैं वही है जिसने अहल किताब के उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया पहले ही इकट्ठ में उनके घरों से निकाल दिया तुम्हें तो यह गुमान भी न था कि ये निकल जाएंगे और ये ख़ुद भी समझ रहे थे कि इनके किले इन्हें अल्लाह से बचा लेंगे तो अल्लाह का अजाब उनके पास वहाँ से आया जहाँ से ये गुमान भी ना रखते थे और उसने उनके दिलों में रोब डाल दिया ये अपने घरों को अपने ही हाथों और मोमिनों के हाथों बर्बाद कर रहे थे बस ए आँखों वालों इबरत पकड़ो मदीने के अतराफ़ में यहूदियों के तीन कबीले आबाद थे बनु नज़ीर बनु कुरैजा और बनु कनका हिजरत के बाद नबी अलैहि असलम ने इनसे भी माहिदा किया था लेकिन ये मुसलमानों के लिए मुखलिस नहीं थे दरपरदा साजिशें करते रहते थे और दूसरी तरफ कुफ़ार मक्का से भी इनके रबते थे कि जिसमें मुसलमानों के, जिस के ख़िलाफ़ ये प्लान करते रहते थे और इन्होंने नबी सल्ह वम को कतल करने की भी कई साजिशें की थी एक दफ़ा जब आप इनके पास गए हुए थे तो बनु नज़ीर ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊपर छत से पत्थर भारी पत्थर गिराकर आपको मार डालने की साजिश की थी जिससे वही के जरिए आपको बरवक्त इतला दे दी गई और आप वहाँ से तशरीफ़ ले गए तो इस बद शिकनी अहद शिकनी की वजह से और इनके इन हरकतों की वजह से फिर इनको वहाँ से वतन किया गया और इन्होंने अपने नहायत मज़बूत क़िले तमीर कर रखे थे जिन पर इन्हें बड़ा घुमंड था और मुसलमान भी समझते थे कि ये क़िले फ़तः नहीं हो सकेंगे लेकिन अल्लाह के रसूल ने उनका ऐसा मुहासरा किया कि उनके बहमो गुमान में भी न था ये नबी अलैहि वसल्लम के रोब की वजह से भी जिलावती पर आमादा हो गए थे इन पर सख्त दहशत और घबराहट तारी हो गई और जब इन्हें यकीन हो गया कि अब इन्हें जिलावतन किया जा रहा है एक्सायल किया जा रहा है तो इन्होंने मुहासरे के दौरान अपने ही घरों को बर्बाद करना शुरू कर दिया ताकि मुसलमानों के काम ना आए और इन्होंने ये भी समझा था कि इनके किले इन्हें बचा लेंगे लेकिन न बचा सके तो गैर अल्लाह पे भरोसा करने का ही नतीजा होता है और अगर अल्लाह ने इन पर जिलावतनी न लिख दी होती तो वह जरूर इन्हें दुनिया में ही सजा देता और इनके लिए आखरत में आग का अजाब है ये इसलिए कि बेशक इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की और जो अल्लाह की मुखालफत करे तो बेशक अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है अल्लाह की मुखालफत का क्या मतलब है अल्लाह के अहकाम की मुखालफत करना जो अल्लाह ताला का हुक्म है उसके ख़िलाफ़ काम करना जो भी खजूर का दरख्त तुमने काटा या उसे उसकी जड़ों पर खड़ा छोड़ दिया तो ये सब अल्लाह के इज़न से था ताकि वह फासिकों को रसवा करे यहाँ पर मुहारे के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नज़ीर के खजूरों के दरख्तों को आग लगा दी थी कुछ काट भी दिए थे कुछ छोड़ भी दिए तो उस पर बहुत प्रापिगंडा शुरू हुआ तो उसका जवाब अल्लाह ताला ने दिया कि अल्लाह के जन से सब कुछ हुआ है अल्लाह के से करो तो मुकाबला फिर देखो होता है क्या और वो माल जो अल्लाह ने उनसे अपने रसूल पर लौटाया है क्योंकि जंग के बगैर ये माल हाथ आया था तो उसने तुम पर तो उस पर तुमने कोई घोड़े और ऊंट नहीं दौड़ाए थे यानी जंग नहीं हुई थी बाकायदा लेकिन अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहता है तसल्लता कर देता है और अल्लाह हर चीज़ पर खूब कुदरत रखने वाला है ये बन नज़ीर का इलाका जो था ये मदीना से तीन चार मील के फ़ासले पर था और यहाँ मुसलमानों को लड़ना नहीं पड़ा लंबे सफ़र की नौबत भी नहीं आई और इस तरह वो जब वो निकल गए और उनका माल मुसलमानों के हाथ आया तो ये माल जो था माल फे कहलाया ऐसा माल जो लड़ाई के बग़ैर हाथ आए और जो लड़ाई और गलबे के बाद आता है वो गनीमत कहलाता है और बस्तियों वालों के माल से जो अल्लाह ने अपने रसूल पर बगैर लड़ाई के लौटाया बस वह अल्लाह के लिए और उस और रसूल के लिए और रसूल के कराबदारों के लिए और यतीमों और मस्किनों और मुसाफिरों के लिए है यानी इसमें आम लोगों का हिस्सा नहीं होगा सिर्फ इन मखसूस मददात में ही सर्फ होगा ताकि वो तुम में से दौलतमंदों के दरमियान गर्दिश करने वाला ना हो और जो कुछ रसूल तुम्हें दें उसे ले लो और जिससे वो तुम्हें रोक दें तो रुक जाओ अल्लाह से और अल्लाह से डरो बेश् सख्त सजा देने वाला है यहाँ बड़ी अहम आयत एक आयत, आयत का अहम हिस्सा आपके सामने दोहराऊंगी माँ आता कुमर रसूलू व माँ आता कुमर रसूलू फुजूहू और जो रसूल तुम्हें दे वो ले लो यानी जो बात तुम्हें कहे, उसको मान जाओ उस हुक्म अमल करो व नहा हाकु मन हो फन और जिस चीज़ से मना करें रोकें उससे रुक भी जाओ तो ये एक बहुत अहम आयत है जो हदीस की हजीत पर दलालत करती है और इसमें आपकी सुन्नत को लाजमी पकड़ने का हुक्म है नबी अलैहि वसल्लम ने यह भी फ़रमाया था शख्स तुम में से मेरे बाद ज़िंदा रहेगा तो वो अनकरीब बहुत ज़्यादा इख्तलाफा देखेगा यानी फिक्र इख्लाफा आप देखें कितने ज़्यादा हैं और दीगर इख्तलाफा तो हैं ही मुसलमानों के अंदर अक़ीदे के और दीगर मामलात में बस तुम पर लाजम है कि तुम मेरी सुनत और हिदायत याफ़्त खलफा राशिदीन की सुनत को पकड़े रहो उनके तरीक़ों को देखो और उसे डाढ़ों से मज़बूत पकड़ कर रखो यानी पूरी कु्वत के साथ इसको थाम लो ये इख्तलाफात का हल है और दीन में नए अमूर निकालने से बचते रहो क्योंकि हर नई चीज़ बिदत है और हर बिदत गुमराही है लिलफ़रा मुहाजरीन उखरिजुमदी आरहमिम यह मालिफ है उन महाजर फ़करा के लिए भी है जो अपने घरों और अपने मालों से निकाले गए वो अल्लाह का फजल और उसकी रज़ामंदी चाहते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की मदद करते हैं यही वो लोग हैं जो सच्चे हैं यानी बनु नज़ीर की ज़्यादा का एक हिस्सा महाजरीन में भी तकसीम होगा अनसार में से सिर्फ दो लोगों को दिया गया था और ये माल उन अनसार के लिए भी है जिन्होंने इस इनसे पहले इस घर में और ईमान में जगह बनाई और जो उनकी तरफ हिजरत करके आए वो उनसे मोहब्बत करते हैं और जो वो महाजरीन दिए जाएं इस चीज़ की वो अपने सीनों में कोई हाजत नहीं पाते और उन्हें अपने आप पर तरजीह देते हैं अगर जो खुद उन्हें सख्त हाजत हो और जो कोई अपने नफ्स के बुखल से बचा लिया गया तो यही लोग फलाह पाने वाले हैं यहाँ अंसार की तारीफ़ की जा रही है जो मदीना के अंसार थे जिन्होंने बग़ैर किसी शर्त के और बग़ैर किसी आ, हीलो हजत के नबी अलैहि वसल्लम को वेलकम किया और उनकी हर मौके पर मदद की और उनके लिए हर तरह की कुरबानियाँ की और फिर जब महाजर साहबा जो हैं ये मक्का आए सॉरी मक्का से हिजरत करके आए तो उनकी खिदमत में अपने बाग और नखलस्तान हाजिर किए उन्हें अपने घरों में जगह दी और अपने कारोबारों में शरीक किया तो बहरहाल अनसार जो थे वो बहुत इशार करने वाले लोग थे महाजरीन ने देखा कि वह अनसार इतना कुछ कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हमने कभी ऐसे लोग नहीं देखे जो इस दर्जे का असार करते हों ये काम ख़ुद करेंगे और हिस्सा हमको देंगे हम तो समझते कि सारा अजर यही लूट ले गए आपने फरमाया नहीं जब तक तुम इनकी तारीफ करते रहोगे और इनके हक में दुआएं खैर करते रहोगे तुमको भी अजर मिलेगा तो बाज़त ऐसा होता है कि एक शख्स बहुत कुछ आपके साथ खैर का मामला कर रहा होता है और आपके पास कुछ नहीं होता लौटाने के लिए कि दुआएं तो होती है ना तारीफ तो होती है यानी दुआ सामने भी देनी चाहिए दुआ पीछे भी देनी चाहिए और लोगों में उस शख्स के खैर और भलाई की तारीफ भी करनी चाहिए यह एक तरह से उसका बदला होता है तो बहरहाल यहाँ एक और बात भी की गई व मैं यू का शह ही फौलाए का उमुल मुफ्हून जो नफ्स के शह से बचा लिया गया शोह का लफ्ज़ अरबी जबान में कंजूसी और बुखल के लिए इस्तेमाल होता है मगर जब इसे नफ़्स की तरफ़ मंसूब किया जाए तो उसको शह नफ्स कहा जाता है इससे मुराद तंग नजरी तंग दिली कम हौसलगी और दिल का छोटापन है जो बुखल से बसीतर चीज़ है बल्कि ख़ुद बुखल की भी असल जड़ वही है कि इंसान तंग दिल होता है छोटे दिल वाला होता है इसकी वजह से इंसान दूसरे का हक मारता है हक़ मानता ही नहीं अदा करना तो दूर की बात किसी की खूबी का एतराफ़ करने से जी चुराता है किसी की तारीफ नहीं करता किसी की किसी की तरफ से की हुई भलाई को एक्नोलेज नहीं करता और हमेशा उसको ये हिस्स रहती है कि दूसरे उसके साथ अच्छा करते रहें और दूसरों के हकूक पे ये दस दराजी करता है लेकिन दूसरों से लेने के लिए हर वक्त तैयार होता है रसूल सल्ला वम ने फरमाया शह से बचो क्योंकि शह ही ने तुम पहले लोगों को हलाक किया उसी ने उनको एक दूसरे के खून बहाने और दूसरों की हुरमतों को अपने लिए हलाल करने पर उकसाया उसने इनको जुल्म पर आमादा किया और इन्होंने जुल्म किया फजूर का हुक्म दिया और इन्होंने फजूर किया क़त रहमी करने के लिए कहा और इन्होंने कतर रहमी की तो याद रखिए ईमान और शह दिल की तंगी ये एक दिन में जमा नहीं हो सकते शह जो है बखीली और हिरस और तंग दिली ये ईमान के मुनाफी है और इसकी पना इससे पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमारे दिलों से इसको दूर कर दे और अनसार की एक और तारीफ़ जो यहाँ की गई कि वो दूसरों को अपने अपने ऊपर तरजीह देते हैं ख़ा ख़ुद को भूखे ही क्यों ना हो तो वो वाक़ जहन में दोहरा लीजिए जो आपने बारह सुना होगा कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई मेहमान आया असवाज मतहरा के पास पैगाम भेजा कि घर में कुछ खाने के लिए है तो दिया जाए कुछ नहीं मिला तो इतने में एक अंसारी ने कहा मैं इनको ले जाता हूँ घर गए तो पता चला कि बस इतना ही खाना है जो या मेहमान खाए या खुद खाए, तो ख़ुद मियाँ बीवी भूखे रहे बच्चों को सुला दिया और मेहमान को खाना खिला दिया यानी खुद शदीद हाजत भी थी भूख भी थी भूख के वक्त ख़ुद रोज़ा रख लेना और दूसरे को खिला देना ये मामूली नेकी नहीं है लेकिन दूसरों को खुद पर तरजीह दे उन्होंने हमेशा के लिए अपनी जगह अल्लाह के यहाँ बना ली और किस तरह उनके लिए आयत भी उतरी कि वो दूसरों को यानी उनके ये अल्लाह की गवाही है उनके हक में एक तो होती है ना लोग गवाही देते हैं फलां बड़ा सखी है फलां बड़ा अच्छा है और एक वो गवाही है जो अल्लाह देता है कि फलां वाकई बहुत अच्छा है और तरजी दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देने वाला है आप देखिए कि सारे झगड़े शोह की वजह से होते हैं दिल की तंगी की वजह से कोई हमारी बात ना सुने या कोई हमारा मशवरा ना माने कोई हमारी आ, हमारी मर्ज़ी की चीज़ हमें ना दे हमारा मुतालबा ना माने तो फिर देखें कि उसके बाद हमारा रवैया क्या होता कोई हमें रिश्ता देने से इनकार कर दे फिर उसके बाद क्या होता है सारी मोहब्बतें सारे ताल्लुक रिश्तेदारियाँ सब कुछ कट जाती किस वजह से दिल की तंगी की वजह से अगर इंसान सिर्फ इतना सोच ले कि भाई उसका यहाँ लिखा ही नहीं था ये जहाँ लिखा था वहीं होना था उसी से औलाद होनी थी उसी ख़ानदान का हिस्सा बनना था तो सारी नाराजगी ही खत्म हो जाए लेकिन हम बेकार की चीज़ों पर नाराज़ होकर बैठ जाते हैं दिलों के अंदर बुक्स रख के बैठ जाते हैं जिसकी वजह से हमारे मामला ख़राब से ख़राब तर होते हैं और नतीजा क्या होता है बेचैनी में इजाफा अच्छा जब बेचैनी बढ़ती है तो उसका इलाज ये नहीं कि अल्लाह की तरफ रुजू करके करें कि अल्लाह मेरे दिल को सुकून दे दे और मेरा ये दूर कर दे जो बेचैनी और इसतराब है फिर उस बेचैनी के साथ मज़ीद दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करते हैं बड़ास निकालते सामने हो तो तब पीछे हो तो तब नतीजा क्या होता है और मामला ख़राब होते और गड़बड़ होती है और यूं रिश्ते प्यारे प्यारे रिश्ते कट जाते हैं मोहब्बतें और दोस्तियां ख़त्म हो जाती हैं तो ऐसे मामला में सिर्फ दिल बड़ा करने की ज़रूरत होती है कि कोई बात नहीं अगर किसी ने कोई बात कही है तो चले मिलकर किसी मामले का आ, हल निकालते हैं कोई अपना नुक़ह नज़र पेश करते हैं और अगर दूसरे को समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं फिर फिर सही क्या हुआ अगर मसलन मैंने मशवरा दिया आपको और आपने कबूल नहीं किया मसलन मैंने एक बात की और मैं उठ के देखती हूँ कि मसलन मैं आपको बताऊँ कि पहनते हुए जूता दाएं हाथ दाएं पाँव में पहले पहने और मैं उठ के देखती हूँ कि कोई मखसूस शख्स जो है वो उल्टा पहन रहा है अब मेरे दिल तकलीफ़ तो होगी मुझे कि अभी सुनी है बात और अभी अमल नहीं हो रहा लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं उसके साथ नाराज़ हो जाऊँ और उसको सलाम दुआ छोड़ दूँ और उसके लिए दिल में कोई मैल रख लूँ और कुखार रख लूँ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए इंसान है दिन आदत पड़ी हुई है बचपन की एक दिन में थोड़ी जाएगी इंसान दूसरे को एक्सक्यूज़ दे और एहतराम का रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता कभी ख़त्म ना हो चाहे इख्तलाफ हो हमारी कमज़ोरी ये है कि हम जहाँ इख्तलाफ होता है वहाँ इज़्ज़त एहतराम मोहब्बत को रुखसत कर देते हैं जो कि हमारे लिए हमारे ही लिए नुकसानदेह होती है <coughs> और और ये माल उनके लिए भी है जो इनके बाद आए वो कहते हैं ए हमारे रब हमें बख्श दे रबन लना वली रबना वली بالإيمان ولا बिल ईमान قلوبنا غلا बिना آمنوا मनु रबना कर उहीम ए हमारे रब हमें बख्श दे और हमारे उन भाइयों को भी जो ईमान लाने में हमसे सबकत ले गए और हमारे दिलों में उन लोगों के लिए जो ईमान लाए कोई कदूरत ना रख। ए हमारे रब बेशक बहुत शफकत करने वाला रहम करने वाला है कोई गुनाह हो ना बगावत हो ना ख्यानत हो और ना किसी किस्म का कोई हसद हो और इसके लिए गायबाना तौर पर दूसरों के लिए दुआ किया करे यानी अगर किसी के बारे में आपके दिल में कोई मलाल आ गया कोई नाराजगी आ गई है कोई बैड फीलिंग आ गई है कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो आप उसके साथ कोई एहसान का मामला करें तो आपको किसी के साथ अनबन हो गई अगले दिन जाके उसको कोई गिफ्ट दे दे सलाह खुद जाके सलाम कर दें खुद उसके साथ कोई अच्छा उसकी तारीफ कहीं कर दें नमाज़ पढ़े तो उसके बाद उसके लिए दुआ करें कि अला मेरे फलां बहन को फलां भाई को तो अपनी रहमत से माफ़ कर दे और मेरे और उसके बीच में तल्ल दुरुस्त कर दे ये ज, ये, ये वजह बनती है दिलों की वत की दिलों की फराखी की और शुह दूर करने की वरना दिलों में बुग्ज और कीने पाल कर तो इंसान किसी खैर के काम का नहीं रहता ईमान कमजोर हो जाता है क्या आपने उन लोगों की तरफ नहीं देखा जिन्होंने मुनाफ्त की यह अपने उन भाइयों से जिन्होंने अहले किताब में से कुफर किया कहते हैं अगर तुम निकाले गए तो हम भी तुम्हारे साथ जरूर निकलेंगे और तुम्हारे मामले में कभी किसी की इतात नहीं करेंगे और इशारा था कि रसूल अल्लाह की बात नहीं मानेंगे और अगर तुमसे जंग की गई तो हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे बाहर अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं और हम यहूद के साथ कर रहे हैं हालांकि अल्लाह गवाही देता है कि यकीनन ये झूठे हैं तो ये मुनाफिक का ओवरऑल तर्ज अमल बताया गया कि ये बज़ाहिर मुसलमान होते हुए भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने की बजाय यहूद का साथ देते थे और दिली हमदर्दियाँ इनकी मुसलमानों के साथ नहीं थी उनके साथ थी ले इन उखरुजूल आखरुजून अहुम अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया कि अगर ये निकाले गए तो ये उनके साथ नहीं निकलेंगे और अगर इनसे जंग की गई तो ये उनकी मदद भी नहीं करेंगे और अगर इन्होंने इनकी मदद की भी तो ये ज़रूर उनसे पुछते फेर लेंगे फिर ये मदद न किए जाएंगे, यानी ये बिल्कुल झूठे हैं इनके वादे भी झूठे हैं अब देखें जो अल्लाह और रसूल का मुखलिस नहीं होता उनसे झूठ बोलता है वो किसी का भी मुखलिस नहीं हो सकता उसे तो ना रखें यकीन ख़ौफ के अतबार से तुम इनके दिलों में अल्लाह से ज़्यादा सख्त हो ये इसलिए कई ऐसे लोग हैं जो समझते नहीं क्योंकि अगर समझ होती तो ये ना ऐसा ना करते अल्लाह और उसके रसूल पर किसी और को तरजीह देने का मतलब यह है कि इस इंसान को समझ नहीं ये सब इकट्ठे होकर तुमसे जंग नहीं करेंगे मगर किला बंद बस्तियों में या दीवारों के पीछे से इनकी आपस की जंग ही बहुत शदीद है आप इन्हें मतहद समझते हैं जबकि इनके दिल फटे हुए हैं ये इसलिए कि बेशक ये ऐसे लोग हैं जो अकल नहीं रखते यानी मुनाफिकन और यहूद खुले मैदान में भी मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते कहा ये कि हाँ किलों में मैसूर होकर ये दीवारों के पीछे से तो शायद तुम पर वार करें और मकसद यही है कि ये नहायत बुजिल हैं और तुम्हारी हैबत से लर्जा और तरसा हैं अली कहते हैं कि ईमान वाले जो सच्चे ईमान वाले होते हैं ना आपस में एक दूसरे के खैर और मोहब्बत करने वाले होते हैं अगरचे उनके मकामात जुदा हों एक जगह ना भी रहते हो फिर भी मोहब्बत करते हैं। ज़मान व मकान की दूरियां भी हों फिर भी आपस में मोहब्बत करते हैं जैसे हमें साहबा कराम से मोहब्बत है और फाजर लोग फाजर लोग एक दूसरे को धोखा देने वाले ख़ाइन होते हैं अगर अगरचे वो जिसमानी तौर पर मिल कर रहे हैं तखरल ये लोगों के फाजर होने की अलामत है कि एक दूसरे के साथ रहते हुए उनको चीट करें धोखा दें बज़ाहिर ये कहें कि हम तुम्हारी बड़ी कदर करते हैं और अंदर से मुनाफत इनकी मिसाल उन लोगों की तरह है जो इनसे कुछ ही पहले अपने किए का बबाल चख चुके हैं और इनके लिए दर्द क़ज़ाब है इनकी मिसाल शैतान की तरह है जब उसने इंसान से कहा कुफर करो फिर जब वो कुफर कर चुका तो कहने लगा बेशक मैं तो तुमसे बरी हूं मेरा तुम्हारा कोई लेन देन नहीं बेशक मैं तो अल्लाह से डरता हूँ सख्त झूठा अगर डरता होता तो ऐसा थोड़ी करता बेशक मैं तो अल्लाह से डरता हूँ जो तमाम जहानों का रब है बतादी वाली बस इन दोनों का अंजाम ये हुआ कि बेशक ये दोनों आग में होंगे हमेशा उसमें रहेंगे और जालिमों का यही बदला है यादीना आमन तंजुर इन अल्लाह खबीरुम बे माता ए लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो हर शख्स जरूर देखे कि उसने कल के लिए आगे क्या भेजा है कि उसने कल के लिए आगे क्या भेजा है और अल्लाह से डरो बेश्लाह उससे जो तुम कर रहे हो खूब बाखबर है यह आयत करीमा बंदे के लिए अपने नफ्स का मुहासबा करने की बुनियाद है कि अपना मुहासबा करते रहो अपने नफ्स की देखभाल करते रहो अपने अंदर कोई लफ्जिश देखो तो खालिस तोबा करके अल्लाह की तरफ रुख करके उस लफ्जिश का तदारुक करो अपनी कोताहियों को पूरी कोशिश से दूर करो अल्लाह ताला के तहसाना को याद रखो और अपनी खताओं को याद रखो और इसमें आप देखिए दो दफा इस बात से पह, पहले और बाद में तकवा का हुक्म दिया गया इतुल्ला दरमियान में है वल और नफ्स माकदमत लिगत और फिर है वत एक ही आयत में दो दफ़ा अल्लाह के तकवा का हुक्म दिया जा रहा है क्योंकि ये अल्लाह के तकवा भी दिल में होता है ना दिल में तकवा होगा तो अपने गुनाह याद आएंगे ना दिल में तकवा होगा तो अपनी कमजोरियां नजर आएंगी वरना तो इंसान सब अच्छा ही समझता अपने आप को और फिर आप देखिए कि इंसान ये देखता रहे कि वह कल के लिए क्या भेज रहा है कल से मुराद यहाँ कौन सा कल है आखरत का कल इबन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नसीहत करते हुए फ़रमाया पांच चीज़ों को पांच चीज़ों से कबल गनीमत समझो अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले अपनी सेहत को बीमारी से पहले अपनी मालदारी को अपनी फ़कीरी से पहले अपनी फरागत के वक्त को अपनी मसरूफ़ीत से पहले और अपनी ज़िंदगी को अपनी मौत से पहले यह है मुहासबा करते रहना और आइंदा की फिक्र करना वल तंजुर नफ्स माकदमत फ्यूचर के लिए क्या तैयार किया है और तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो उसने भी उन्हें उनके नफ्स भुलवा दिए यही लोग नाफ़रमान हैं यानी नफ्स बुलवादी का मतलब यह है कि वो अपने लिए ऐसे काम करना भूल गए जिन जिनसे उन्हें बहुत फ़ायदा हो सकता था यानी नेकी के मवाक़े उनसे छूट गए जब इंसान अल्लाह को भूल जाता है तो फिर अल्लाह के लिए कुछ करने का तरीका भी उसको नहीं आता और वो ताकत और सलाहियत जो अल्लाह ने उसके अंदर रखी थी बहुत कुछ करने की वो उससे पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकता अल्लाह ने उनको उनके नफ़्स बुलवा दी यानी इंसान अपने अपने ही पोटेंशल को ना जाने अपनी ही सलाहियतों को ना जाने और वो ना करे जो वो कर सकता है जिसकी अल्लाह ने उसको ख़ास सलाहियत और इस्तेदाद दी है तो ये नतीजा होता है अल्लाह को भूल जाने का और दुनिया से मोहब्बत का तो ऐसा शख्स फिर कामयाबी के असबाब फरामोश कर देता है उन चीज़ों को भूल जाता है जिससे उसका नफ़्स कामिल होता है उन कामों को अहमियत नहीं देता जिससे उसकी आख़रत का फ़ायदा होता है उन चीज़ों का उसके दिल में ख्याल ही नहीं गुज़रता कि वो उनको अपना मकसद बनाए यानी नेकी के कामों को उनको तरजीह ही नहीं देता और फिर अपने नफ़्स की खामियां और कोताहियाँ भी भूल जाती हैं अपनी गलतियां भी भूल जाती अपने किए हुए गुनाह भी भूल जाते हैं कि तौबा का ख्याल भी नहीं आता फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला फरमाते हैं इब्ने आदम तुम अपने आप को मेरी इबादत के लिए फारिग कर लो वक्त निकालो इबादत का मैं तुम्हारे दिल को बेनियाजी से भर दूंगा और तुम्हारा फकर दूर कर दूंगा और फकर से मुनासर माल का फख्र नहीं मोताजी नहीं हर तरह के मोताजी लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ कामों में मशगूल कर दूंगा इसके बावजूद तुम्हारा फखर दूर नहीं करूंगा यानी ये सजा है दुनिया में ही मिल जाती है इंसान को कि वो बहुत कुछ कर सकता था लेकिन उसने वो ना किया जिसके लिए अल्लाह ने उसको पैदा किया था तो अल्लाह फिर उसको और कामों में लगा दिया आग वाले और जन्नत वाले बराबर नहीं हो सकते जन्नत वाले ही दरअसल कामयाब होने वाले हैं एक आग और एक जन्नत बहुत यानी इससे ज़्यादा दो कंट्रास्ट चीज़ें नहीं हो सकती एक ख़ुशियों से भरी हुई जगह और एक अज़ाबों से भरी हुई लवन जल् हाजल क़ुरआन आला जबलिन अगर हम इस क़ुरआन को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो आप इसे देखते कि वह अल्लाह के खौफ से दबा हुआ है और फट पड़ा है और ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि वो गौर व फिक्र करें इब्ने कय्यम कहते हैं बन कईम कहते हैं जिस तरह दरख्त जिंदगी दरख्त की जिंदगी पानी से वस्ता है और पानी के बगैर दरख्त जिंदा नहीं रह सकता इसी तरह इंसान के दिल में इस्लाम के दरख्त का मामला है दिल में इस्लाम के दरख्त को भी नाफ़ इल्म और साल अमल की ज़रूरत है जिक्र अजकार तदब्बर और तफक्र के बग़ैर ये दरख्त खुश हो जाएगा हमारे दिल में एक इस्लाम का दरख्त है उसको इल्म की इल्म का पानी चाहिए नेक कामों का नेक कामों से सैराबी चाहिए जब वो नहीं करते तो वो पौधा यानी वो इस्लाम बांद पड़ने लगता है खुश्क होने लगता है होल्लाधी आलिमी व शहादा होर्रहरीम वो अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई मबूद नहीं वही गैब और हाजिर का जानने वाला है वो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है याद रखिए, अल्लाह ही मबूद है और वो गैब का खूब जानने वाला है उसके लिए गैब और हाजिर सब बराबर है हमारे लिए तो गैब गैब है ना हमें तो पता ही नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है अंधेरा है लेकिन अल्लाह ताला के लिए वो भी हाजिर की तरह रोशन है माजी हाल मुस्तबिल की कोई चीज अल्लाह से छुपी हुई नहीं है और फिर हो और रहीम वो रहमान और रहीम है अल्लाह की रहमत तमाम कायनात पर वसी है कायनात को कायनात की हर चीज को उसका फैस पहुँचता है और सारे जहान में कोई भी ऐसा नहीं कि जो अल्लाह की सिफत में शरीक हो और अल्लाह ताला ने जो मखलूक़ को सिफ़त रहमत दी है वो बस ज़रूरत के तहत अता की है और महदूद है जजवी है कि अल्लाह ने मखलूक के अंदर जज्ब रहम पैदा कर दिया ताकि वो दूसरे मखलूक़ के लिए जीने का ज़रिया बने होलमलिक्दूसलिनमुमिनमुमिन इलाह आज़ीज़ालजब्बार्मतकब्बिर सुबहान अल्लामशरीकून वो अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं वो बादशाह है निहायत पाक सलामती वाला अमन देने वाला निगहबान जबरदस्त जोरावर बेहद बड़ाई वाला पाक है अल्लाह उनसे जिन्हें वो शरीक ठहराते हैं पाक है अल्लाह उनसे जिन्हें ये शरीक ठहराते हैं तो अल्लाह ताली किसी ख़ास इलाके का नहीं सारे जहान का बादशाह अलमलिक मुतलक बादशाह है पूरी कायनात पर अल्लाह की हुक्मरानी है कोई चीज़ उसके इख्तियार को महदूद नहीं करती कुरान मजीद में, में बहुत से मकाम पर अल्लाह की बादशाहत का जिक्र है व लहू मनफमावा उवल अर्द युदबिर लहू मुल्कमावत इवलअर्द वमयुल लहू शरीकनफिलमल्क बद ही मकूतकुल शई फ़अलमायूरीद वल्हुमलाम अक्बल हकम ही वह उजीरो जारु अल कुल्ला मालिकल तो तिलमलक मंतशा तो ये सारी चीज़ें किस ये सारी आयात क्या बताती हैं कि मुल्क सिर्फ़ अल्लाह ही की जात है और उसके साथ साथ भी है अमून ये होता है कि जिसको बहुत ही इख्तियार मिल जाएं वो फिर करप्शन से बाज नहीं रहता तो यहाँ पर अल्लाह सुबहान तौ के सारे इख्तियारत हैं मालिक है मलिक है मलिक है लेकिन उसके साथ साथ इंतहा दर्जे का पाकिज़ा है तमाम बुरी सिफात से और तमाम बुरे अखलाक से यानी अल्लाह ताली ऐसी पाकिज़ा तरीन हस्ती है कि जिसके बारे में बुराई का तस्वुर भी नहीं कर सकते और होना भी नहीं चाहिए और दिल में ख़याल भी, भी नहीं जाना चाहिए कि मेरे साथ बड़ा ऊ है और फिर असलम वो सरासर सलामती है यानी अमूमन लोगों में जब पावर आती है तो वो दूसरों के लिए थ्रेट बन जाते हैं लेकिन अल्लाह सुबहान है फिर निगहबानी और हिफाजत करने वाला है गवाह है वो देख रहा है कि कौन क्या करता है फिर अल-अजीज है ऐसी हस्ती जिसके मुकाबले में कोई सर नहीं उठा सकता जबरदस्त है सब उसके आगे बेबस और कमज़ोर हैं अलजब्बार जबर का माना होता है किसी चीज़ को ताकत से दुरुस्त करना जबर करना बज़ोर असलाह करना तो कभी जबर महज असलाह के लिए भी बोला जाता है और कभी सिर्फ ज़बरदस्ती के लिए तो अल्ला सुबहान कायनात का नज्म व नस्क इंतज़ाम बज़ोर दुरुस्त रखने वाला है यानी उसको कोई छेड़ नहीं सकता कोई उसमें तब्दीली नहीं कर सकता और फिर यह के अलमतकबर भी है अल्मुतकब्बिर यानी जो मतकबर वो होता है जो हकीकत में बड़ा ना मगर बड़ा बने और दूसरा माना यह किया गया कि जो हकीकत में बड़ा हो और बड़ा ही होकर रहे यहाँ दूसरा होगा कि अल्लाह ताला है भी बड़ा और बड़ा ही होकर रहने वाला है कोई उससे बड़ा नहीं और किसी भी मखलूक के लिए यह जायज़ नहीं कि वो अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझे और ये बदतरीन ऐब है जो लोग ख़ुद पसंदी का शिकार होते हैं ये अल्लाह की नाराज़गी का काम है और फिर ये कि अल्लाह के मुकाबले में कायनात की हर चीज़ हकीर है और अल्लाह का बड़ा होना उसकी खूबी है व्लाखालकबारीमसविर लुलास्समा उलसना युसबलहूमाफमाद वहूल अज़ीज़ल हकीम वो अल्लाह ही है जो तख्लीक करने वाला वजूद में लाने वाला सूरत बनाने वाला है सब अच्छे अच्छे नाम उसी के हैं हर वो चीज़ जो आसमानों और ज़मीन में है उसी की तस्वीर कर रही है और वो बहुत ज़बरदस्त खूब हमत वाला है यहाँ तख्लीक़ के तीन मराहल का जिक्र किया गया एक है अल-खालिक, जिसमें जो इब्ता में तख्लीक़ करना होता है यानी तख्लीक़ की मनसूबा बंदी करना एक तरह से यानी कि किस मकसद के लिए किस चीज़ को बनाया जा रहा है कोई इमारत जैसे बनती है तो लेकिन यहाँ तो इंसान बनने जा रहा है तो उसकी ज़िंदगी का मकसद वग़ैरह भी मतिन कर दिया गया उसका तफसी नक्शा क्या होगा ये भी दूसरा मरतबा बड़ा आके है इसके असल माने है जुदा करना चाक करना फाड़ कर अलग करना तो खालिक के लिए बारह लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया है क्योंकि वो अपने सोचे हुए नक्शे को नाफिज करता है यानी जो उसने सोचा होता है कि ये बनाना है वो बनाता है और तीसरा मरतबा अलमुसविर का है जिसका मतलब है सूरत बकरी करने वाला सूरत बनाने वाला किसी चीज को उसकी आखिरी मुकम्मल सूरत में डिलीवर करना तो की हर चीज पुकार पुकार कर कह रही है कि इसका खालिक हर और नक्स से पाक है हर कमजोरी से पाक है और ये भी याद रखिए कि अलमुसविर सिर्फ अल्लाह ताला ही है किसी दूसरे को इसकी इजाजत नहीं バンドو كليه تسوية ساذجيه كهورمت بيانه كي غييه سورة الممتحنه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ت تت... فاتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليك تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. سورة الممتحنة.

वो रसूल को और तुम्हें इसलिए निकालते हैं कि तुम अल्लाह पर ईमान लाए जो तुम्हारा रब है अगर तुम, अगर तुम मेरे रास्ते में जहाद के लिए और मेरी रजामंदी की तलब में निकले हो तो तुम उनकी तरफ दोस्ती का पैगाम अगर तुम मेरे अगर तुम मेरे रास्ते में जहाद के लिए और मेरी रजामंदी की तलब में निकले हो तुम उनकी तरफ दोस्ती का पैगाम भेजते हो तुम उनकी तरफ छुपा कर दोस्ती का पैगाम भेजते हो और मैं खूब जानता हूँ जो कुछ तुमने छुपाया और जो कुछ तुमने जाहिर किया और तुम में से जो भी ऐसा करे तो यकीन वो सीधे रास्ते से भटक गया कुफार मक्का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हदैबिया में जो माहिदा हुआ था अहले मक्का ने उसकी ख़िलाफ़वर्जी की इसलिए रसूल अल्लाह स मुसलमानों को खुफ़िया तौर पर लड़ाई की तैयारी का हुक्म दे दिया हज़रत बिन अभी बल्ता एक बदरी महाजिर सहाबी थे जिनकी कुरैश के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं थी लेकिन उनके बीवी बच्चे अभी मक्का में ही थे उन्होंने सोचा कि मैं कुरैश मक्का को आपकी तैयारी की इतला कर दूं, ताकि इस एहसान के बदले वो मेरे बच्चों का ख्याल रखें चुनाचे उन्होंने एक औरत के ज़रिए से ये पैगाम तहरीरी तौर पर अहल मक् की तरफ रवाना कर दिया जिसकी इतला बजरिया वही नबी सल्ला वसम को कर दी गई चुनाचे आपने हज़रत अली हज़रत मकदाद और हज़रत ज़ुबैर को फरमाया कि जाओ रोज़ ख़ाख पर एक औरत होगी जो मक्का जारी होगी उसके पास एक रुका है खत है वो ले आओ चनाचे वो हजरात गए और उससे रुका लिया जो उसने सर के बालों में छुपा रखा था आपने हज़रत हातिब से पूछा ये क्या तो उन्होंने फरमाया कि मैंने ये काम कुफर और इत की नहीं किया मौजूद के के हैं जो उनके बाल बच्चों की हिफाजत करते हैं मेरा वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं तो मैंने सोचा कि मैं अहिल मक्ला कर दूँ ताकि एहसान मंद रहें और मेरे ताहम अल्लाह ताला ने तंबीह के तौर पर ये आयात नाजिल फ़रमा दी ताकि आइंदा कोई मोमिन किसी काफिर के साथ इस तरह का ताल्लुक़ मबदत न रखे कि उससे दीन को नुकसान पहुँचे क्योंकि अगर ये पता चल जाता तो क्रैश भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते और मक्का में सख्त खून रेजी होती तो नबी अलैहि वसल्लम बग़ैर जंग के मक्का फ़तः करना चाहते थे अमन के साथ और फिर भी कहा जाता है कि इस्लाम अमन का दीन नहीं अगर ये तुम्हें पालें तो ये तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे नहीं तुम उनसे मोहब्बत करते हो लेकिन वो तो तुम्हारे दुश्मन हैं और अपने हाथ और अपनी ज़बाने बुराई के इरादे से तुम्हारी तरफ दराज करेंगे और चाहेंगे कि काश कि तुम भी कुफर करो लन तन अरहामुकुम वला औलादुकुम अवलादकुम यो मल्कियामतीफ़िलुबई बैनकुम तुम्हारे रिश्तेदारियां तुम्हारी रिश्तेदारियां और तुम्हारी औलाद क़यामत के दिन तुम्हें हरगिज़ कोई फ़ायदा न देंगी वो तुम्हारे दरमियान फैसला कर देगा और जो तुम कर रहे हो अल्लाह उसे खूब देखने वाला है क्योंकि हज़रत हातिब ने अपना उज़र पेश किया था कि अपने बीवी बच्चों की खातिर उन्होंने ऐसा किया तो अल्लाह ताला ने बयान कर दिया कि अगर अहल आयाल और औलाद की वजह से अपने रब की नाफरमानी की तो क़्यामत के दिन औलाद काम नहीं आएगी इंसान औलाद इंसान की कमज़ोरी है औलाद की गलत चीज़ें भी इंसान को अच्छी लगती हैं वो मुजैन होती हैं दिल में लेकिन याद रखे कि ये औलाद क़यामत के दिन काम नहीं आएगी और ख़ास तौर पर अगर औलाद जो है वो दीन पर ना हो आपस में जुदाई डालने का मतलब क्या है कि नेक नेक लोगों को अल्लाह जन्नत में भेजेगा और दूसरों को जहन्नम में जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की वनजिरशी तकरबीन कि आप अपने क़रीबी रिश्तेदारों को डराएं तो रसूल अल्लाह वसल्लम खड़े हुए और फरमाया एक कुरैश की जमात तुम खुद को अपने अमाल के बस ख़रीद लो मैं अल्लाह के हजूर तुम्हारे कुछ काम ना आ सकूँगा ए बनु अब्द मनाफ मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारा दिफा नहीं कर सकूँगा यानी अगरचे मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ लेकिन मैं तुम्हें फ़ायदा ना दे सकूँगा अपने लिए खुद कुछ करोका हसनफ़ी इब्राहिम यकीनन तुम्हारे लिए इब्राहिम और उन लोगों में जो उसके साथ थे एक अच्छा नमूना है जब उन्होंने अपनी कौम से कहा बेशक हम तुमसे और उनसे बरी हैं जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो हमने तुम्हारा इनकार किया और हमारे और तुम्हारे दरमियान हमेशा के लिए दुश्मनी और बोग जाहिर हो गया यहां तक कि तुम यहां तक कि तुम उस अकेले अल्लाह पर ईमान लाओ सिवाय इब्राहिम की इस बात के जो उसने अपने बाप से कही कि मैं ज़रूर तेरे लिए बख्शिश मांगूंगा और मैं तेरे लिए अल्लाह की तरफ से किसी भी चीज़ का मालिक नहीं हूँ ऐ हमारे रब तुझी पर हमने तवक्कुल किया और तेरी ही तरफ हमने रुजू किया और तेरी ही तरफ लौटना है यहाँ मुसलमानों को क्या कहा जा रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुम्हारे लिए एक अच्छा नमूना है वो कैसे उन्होंने अल्लाह की खातिर अपना सब कुछ छोड़ दिया था अपना घर बार अपने रिश्तेदार अप... लेकिन एक चीज़ में वो नमूना नहीं है वो क्या कि उन्होंने अपने वालिद की बख्शिश की दुआ के लिए वादा कर लिया था

या इसी तरह यह कि उनके हाथों या अपनी तरफ से हमें किसी सजा से दो चार न करना इस तरह भी हमारा वजूद उनके लिए फितना बन जाएगा और वो कहेंगे कि अगर ये ये पे होते तो नहीं ये तकलीफ क्यों होती हसनत होतेमन का नरजुल्लामल आखिर यकीन तुम्हारे लिए उनमें अच्छा नमूना है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह की और आखरत के दिन की मुलाकात की उम्मीद रखता हो और जो कोई मुंह मोड़ जाए तो बेशक अल्लाह बहुत बेनियाज खूब तारीफ वाला है अब यहाँ तकरार ताकीद के लिए है यानी वही बात दोबारा दोहराई गई है क्योंकि उम्मीद है कि अल्लाह तुम्हारे दरमियान और उन लोगों के दरमियान जिनसे तुमने जिनसे तुम उनमें से अदावत रखते हो मोहब्बत डाल दे और अल्लाह खूब कुदरत वाला है और अल्लाह बहुत बख्शने वाला नहाय रहम करने वाला है यानी अल्लाह ताला अहले ईमान को तसल्ली दे रहे हैं कि तुम्हारे हो सकता है कि तुम्हारे रिश्तेदार कभी इस्लाम कबूल कर लें कभी वो इस तरफ पलट आएं और फिर और फिर उन लोगों के दरमियान जिनसे जिन तुम इस वक्त कल भी ताल्लुक़ नहीं रखते उनके बेदीन होने की वजह से फिर वो दोबारा मोहब्बत में वो सारा कुछ बदल जाए और यहाँ पर आप देखिए कियला बैन कुम व बैन आदई तो मिनो मबद्दा इससे ये बात पता चलती है बड़ी अहम कि दिलों में मोहब्बत अल्लाह डालता है बाज़त आप किसी से मोहब्बत करते हैं वो आपसे नहीं करता आप अपने बच्चों के पीछे जान देते हैं और वो परवाह नहीं करते होता ना ऐसे या आप किसी बहन भाई से मोहब्बत करते हैं आप अपनी बहू से मोहब्बत करते हैं लेकिन वो आपसे नहीं करती वो आपसे जान छुड़ाना चाहती या इसी तरह किसी भी रिश्ते में आप देख लीजिए तो आप उसको एक्सक्यूज़ कर दें क्यों अल्लाह ने उसके दिल में मेरी मोहब्बत नहीं डाली तो मैं क्या कर सकती हूँ लिहाजा अल्लाह ही से मांगे कि अल्लाह क्योंकि कुछ बाज़ करीबी रिश्ते होते हैं ना आप उनके लिए जान देते हैं और वो आपसे बेवफाई करते हैं बाजुकत ख़वातन की ऐसी कंप्लेंट सुनने को मिली है कि मैं अपने शोर से बेहद मोहब्बत करती हूँ लेकिन वो मेरी परवाह ही नहीं करते वो दूसरी औरतों के साथ बहुत बातें करते रहते हैं और इस किस्म की बातें तो ये बात यह है कि और फिर हम कभी इसके आगे रोते हैं कभी उसके आगे रोते हैं मसला फिर भी हाल कुछ नहीं हो क्योंकि वो तो उनका मामला ना आप अपना मसला बता बता के क्या करेंगी होना तो कुछ नहीं आपने सब कुछ कर लिया कोई चीज़ काम नहीं आई लेकिन अल्लाह का दर खुला है अल्लाह से मोहब्बत मांगा करें और ये दुआ लाजिम कर लें कबूलियत के औकात में रबना हबलना मिन अज़वाजिना जिना वजुर्रि आयुन इमामा और फिर करिश्मा देखें क्योंकि आपने अल्लाह से मांगा ना और अल्लाह दिलों में डालता है किसी के दिल में आपके लिए मोहब्बत का होना या ना होना अल्लाह की तरफ से है अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता कि तुम उन लोगों से नेकी करो और उनसे इंसाफ का मामला करो जिन्होंने ना तो दीन के मामले में तुमसे जंग की और ना ही तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला अल्लाह इंसाफ़ करने वालों को पसंद करता है यानी जो लोग जुल्म में हिस्सा नहीं लेते उनके साथ इंसाफ़ का तकाजा क्या है कि तुम भी उनके साथ कोई ज्यादती ना करो दुश्मन और ग़ैर दुश्मन को एक दर्जे में रखना इंसाफ की बात नहीं यानी जंग उनसे करो जो तुमसे करते हैं जो नहीं करते बिला वजह उनके साथ कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं बेशक अल्लाह तो तुम्हें उन लोगों से दोस्ती करने से रोकता है जिन्होंने दीन के मामले में तुमसे जंग की और उन्होंने तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हारे निकालने में एक दूसरे की मदद की और जो कोई उनसे दोस्ती करेगा तो यही लोग हैं यानी सख्त रवैया किसके ख़िलाफ़ रख सकते हैं जिनकी इस इस आयत में जिनका ज़िक्र किया गया और यहाँ ये यह बात भी है कि जो मोहब्बत के अहल ना हो उससे मोहब्बत करना अपने नफ्स जुल्म करना है लिहाजा फिर क्या दुआ मांगनी चाहिए मेरे दिल से निकाल दे जी हाँ आसानी हो जाएगी या यूहदीना अमनु इरा जाम तहिन ऐ लोगों जो ईमान लाए हो जब तुम्हारे पास हिजरत करने वाली मोमिन औरतें आए तो उनका इम्तिहान ले लो अल्लाह उनके ईमान को खूब जानता है फिर अगर तुम उन्हें जान लो कि ईमान वाली हैं तो उन्हें कुफार की तरफ ना लौटाओ ये उनके लिए ना ये उनके लिए हलाल हैं और ना वो उन औरतों के लिए हलाल हैं कुफर के बाद रिश्ता ख़त्म हो जाता है जोलीत का अगर उनमें से एक इख्तियार कर ले हजबैंड <coughs> <coughs> वाइफ में से अगर कोई एक मुसलमान ना रहे तो या एक मुसलमान हो जाए तो फिर रिश्ता जोजियत ख़त्म हो जाता है और न वो उन औरतों के लिए हलाल हैं और जो उन्होंने खर्च किया वो उन्हें अदा कर दो और तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम उनसे निकाह कर लो नहीं चाहे उन्होंने तलाक नहीं भी दी उस हस्बैंड ने जो का... काफिर यह मशरक है ऐसी औरतों से तुम निकाह कर सकते हो जब तुम उन्हें उनके महर दे दो और तुम काफ़िर औरतों की इसमतें यानी निकाह रोक कर न रखो और तुम मांग लो जो तुमने खर्च किया है और वो भी मांग लें जो उन्होंने खर्च किया है ये अल्लाह का फ़ैसला है वो तुम्हारे दरमियान फ़ैसला कर रहा है और अल्लाह खूब इल्म वाला खूब हमत वाला है और अगर तुम्हारी बीवियों में से कोई कुफार की तरफ चली जाए फिर तुम्हारी बारी आए तो जिन लोगों की बीवियां चली गई हैं उनको उसकी मानत दे दो जो उन्होंने खर्च किया था और अल्लाह से डरो जिस पर तुम ईमान रखते हो तो ये उस दौर की बात है कि जब घर घर के अंदर ये मसाइल थे बाप मुसलमान है तो बेटा नहीं है बेटा है तो माँ नहीं है भाई है तो दूसरा भाई नहीं है यानी लोग तकसीम हो गए थे तब आपस में उनके साथ कैसे रिलेशन हो उसके बारे में बताया जा रहा है ए नबी जब मोमिन औरतें आपके पास आकर आपसे इस बात पर बैत करें कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराएंगी और ना ही वो चोरी करेंगी और ना जिना करेंगी और ना अपनी औलाद को क़त्ल करेंगी और ना अपने हाथों और पाँव के दरमियान कोई बहुतान घड़ कर लाएंगी और ना ही वो किसी नेक काम में आपकी नाफरमानी करेंगी तो आप उनसे बैत कर लीजिए और उनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगिए बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है याद रखिए कि रसूल अल्लाह सल वम इन औरतों से सिर्फ़ ज़बानी बैत लेते थे यानी जब वो औरतें हजरत करके मक् से मदीना आती थी हज़रत आशा फ़रमाती है अल्लाह की कसम बैत में नबी सल्ला वसलम के हाथ ने कभी किसी औरत के हाथ को नहीं छुआ बैत करते वक्त आप सिर्फ़ ये फरमाते कि मैंने तुझसे इन बातों पर बैत ले ली है तो इसलिए पता चलता है कि औरतों और मर्दों को जो नॉन महरम वो मुसाफ़ा नहीं करना चाहिए बाज़ मुसलमानों के अंदर ये कल्चर है कि नॉन महरम एक दूसरे से हाथ में रहे होते हैं और आप देखिए कि इस बैत में किन किन बातों की बात ये नहीं कहा नमाज़ पढ़ेंगी जुक़ात देंगी वो तो अंडरस्टूड है ये सारे माशरती बातें हैं चोरी नहीं करेंगी जेना नहीं करेंगी अपने बच्चों को कतल नहीं करेंगी तो इससे क्या पता चलता है कि ये भी दीन का हिस्सा है तबलीग सिर्फ़ नमाज पढ़ने की नहीं करनी चाहिए लोगों को ये आदाब भी सिखाने चाहिए या योहदीन आमनू ए लोगों जो ईमान लाए हो तुम ऐसी कौम को दोस्त ना बनाओ जिन पर अल्लाह नाराज़ हुआ يقينا واخر اسما يوسف جاي هاي. جاسك قبر يوسف سورة الصف. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون سوره الصف سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم अल्लाह ही की तस्बीह की है हर उस चीज़ ने जो आसमानों और ज़मीन में है और वो बहुत ज़बरदस्त खूब हमत वाला है और वो बहुत ज़बरदस्त खूब हमत वाला है ऐ लोगों जो ईमान लाए हो तुम वो बात क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो ऑफ़ फेल में तज़ाद की मुमानियत है इंसान को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो उसने की ना हो अगर माजी में माजी के रेफरेंस से करा तो ये झूठ होगी किया ही नहीं और कह रहा मैंने किया और मुस्तबिल का अगर दावा करता है तो फिर उसको वो पूरा करना होगा वरना झूठ लिखा जाएगा तो कौल फेल में तजाद जो है ये नहाय नापसंदीदा चीज़ है कबूरा मकतान तफाल अल्लाह के नज़दीक ये बड़ी नाराज़गी की बात है कि तुम वो कहो जो तुम करते नहीं हो रसूल सल्ला वम ने फरमाया मैंने मेराज की रात में कुछ लोगों को देखा उनके होट आग की कैंचियों से काटे जा रहे थे जब भी वो काटे जाते फिर ठीक हो जाते मैंने पूछा जबरीली कौन लोग हैं उन्होंने कहा यह आपकी उम्मत के वो खतीब हैं जो वो बात कहते थे वो खुद नहीं करते थे और जो किताब अल्लाह को पढ़ते थे लेकिन उस पर अमल नहीं करते थे तो इसलिए इल्म का तकाजा अबलियन तकाजा यह है कि जो पढ़ा पढ़ाया जाए उसको अमल में भी लाया जाए बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसके रास्ते में सफ़ बनाकर जंग करते हैं गोया को वो सीसा पिलाई हुई इमारत हो। अल्लाह के रास्ते में अपनी जान और माल से जिहाद करने वाला सबसे अफज़ल मोमिन है जैसे एक हदीस में आता है बुखारी की और सिर्फ ही काफ़ी नहीं तरीकाकार भी दुरुस्त होना चाहिए और उसमें अहम तरीन क्या है कि तुम्हारी सफ़ों के अंदर डिसप्लिन हो ऑर्गेनाइजेशन हो और जब मूसा ने अपनी कॉम से कहा ऐह मेरी कौम तुम क्यों मुझे अजियत देते हो हालांकि तुम बखूबी जानते हो कि बेशक मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ फिर जब वो टेढ़े हो गए तो अल्लाह ने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया अल्लाह और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता यानी टेढ़ी राह पे चलने वालों को ज़बरदस्ती सीधे रास्ते पर नहीं लाता क्योंकि इस तरह तो आजमाइश का मकसद ही खत्म हो जाता है ना और जब ईसा ने मरियम ने कहा ऐ बनी इसराइल बेशक मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ तो रात की तस्दीक करने वाला हूँ जो मुझसे पहले आई है और एक रसूल की खुशखबरी देने वाला हूँ जो मेरे बाद आएगा उसका नाम अहमद होगा फिर जब वो उनके पास बाज दलाइल के साथ आ गया तो कहने लगे कि ये तो खुला जादू हैजरत ईसा ने अपने बाद आने वाले आखिरी पैगम्बर के बारे में खुशखबरी सुनाई थी हुँ? इसीलिए आपने फ़रमाया मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ और ईसा की बशारत हूँ अलैहिस्सलाम और आपकी ख़ूबियों और कमालात की वजह से सबसे ज़्यादा आपकी तारीफ़ है इसीलिए आपका नाम अहमद है सबसे ज़्यादा तारीफ़ किया हुआ अफ़ाल के वज़न पर इसके अलावा भी आपके कई नाम हैं आपने फ़रमाया मैं मोहम्मद हूँ मैं अहमद हूँ मैं माही हूँ मिटाने वाला मेरे साथ अल्लाह कुफुर को मिटाएगा मैं हाशिर हूँ इकट्ठा करने वाला लोग मेरे पीछे जमा किए जाएंगे मैं आक़िब हूँ यानी सब नबियों के बाद आने वाला और उससे ज्यादा जालिम और कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ घड़े जबकि वो इस्लाम की तरफ बुलाया जाता हो और अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं देता ये चाहते हैं कि अल्लाह का नूर अपने मुंह से बुझा दें अपनी फूकों से बुझा दें और अल्लाह अपने नूर को पूरा करने वाला है अगर ये काफिर नापसंद करें यानी तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे दीन को उसके खिलाफ मनफी प्रोपेगंडा करके ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन अल्लाह सुबहान उसको पूरा करके रहेगा वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि उसे सब अध्यान पर गालिब कर दे और अगर मुशरिक मुशरक पसंद करें या अय्यू आमनू ए लोगो जो ईमान लाए हो क्या मैं ऐसी तिजारत पर तुम्हारी रहनुमाई करूं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से निजात दिला दे ऐसा बिजनेस कि जिससे तुम अजाब से बच जाओ अगर इस जगह कहा जाए कि तुम्हें ऐसे ऐसे बिज़नेस के बारे में बताएं जो तुम्हें एक मिलियन का मालिक बना दे तो आप कहेंगे हैं वो कौन सा है जल्दी से बताएं देर ना लगाएँ लेकिन आखिरत के अजाब से बचाने वाला बिजनेस तो मिनू नबिल्ल व रसूल ही अल्लाह रसूल पर ईमान लाओ तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ही लाओ और, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो अपने मालों और अपनी जानों के साथ। दालिकुम तुम तालमून। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम इल्म रखते हो अबू सईद कहते हैं कि नबी वसल्लम के, के पास एक शख्स आया उसने सवाल किया लोगों में से अफजल कौन है आपने फरमाया वो शख्स जो अपने माल और अपने नफ्स के साथ अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे यानी अपना वक्त भी लगाए और अपनी जान लगाए माल भी लगाए क्योंकि अल्लाह के रास्ते में एक सुबह या एक शाम गुजारना भी दुनिया और जो कुछ दुनिया में उस सबसे बेहतर है और इसी तरह अल्लाह के रास्ते में निकलना गमों से निजात देता है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह व तआला की राह में जिहाद करो क्योंकि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है जिसके ज़रिए अल्लाह इंसान को गम और परेशानी से निजात अता फरमाता है बहुत से लोग जो डिप्रेशन का शिकार हैं वो निकले घरों से इल्म हासिल करने के लिए क्योंकि इल्म का हासिल करना दीन का इल्म सीखना भी जिहाद है एक तरह से और इसी तरह खैर के कामों के लिए निकलना यानी जिहाद का मतलब होता तो सख्त मेहनत करना यानी अपने आप को थकाओ किसी काम में लगाओ अब किसी ने मुझसे शिकायत की कि मैं मेरे ऊपर बहुत परेशानियाँ मेरा दिल चाहता खुदकुशी कर लूँ और बड़े मसाइल बताए मैंने उसको कहा कि अपने घर से निकलो और जाके कोई काम करो और कुछ नहीं तो कोई मजदूरी करो चाहे तो मैं दस रुपये कोई दे कुछ करो अपने आप को काम में थकाओ कहते नहीं मेरी जहनी हालत ठीक नहीं वो ठीक होगी तो काम करूँ मैं इनका काम करोगे तो जहनी हालत ठीक होगी हमने उलट काम किया हुआ मैं जरा ठीक हो जाऊँ तो फिर मैं कुछ करूँगा मैं मेरी सेहत अच्छी हो जाए तो फिर मैं ज़रा कुरान पढ़ना शुरू करूँगी तो सेहत तो दिन दिन ख़राब ही होती है ठीक तो कम ही होती है आगे आगे जा रहे हैं लिहाजा किसी चीज़ का इंतज़ार ना करें जो करना है कर जाए नबी वसल्लम ने फरमाया जन्नत में सौ दर्जे हैं जो अल्लाह ने अपने रास्ते में जहाद करने वालों के लिए तैयार कर रखे हैं दो दर्जों में इतना फ़ासला है जितना आसमान और ज़मीन के दरमियान जहाँ भी आप अपनी जान के साथ मशक्कत करेंगे अपने आप को बनाएंगे अपनी नींद कुर्बान करेंगे अपनी भूख कुर्बान करेंगे अपने आप को तकाएंगे, अल्लाह के रास्ते में तो आपकी सारी परेशानियाँ और काम सब दूर हो जाएंगे भूल जाएंगे उनको यक फिरकुम दुनूबकुम और क्या मिलेगा वो तुम्हारी खातिर तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और तुम्हें ऐसे बाग़ात में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं और हमेशगी के बागात में पाकिजा घर में और हमेशगी के बागात में पाकिजा घर हैं ये बहुत बड़ी कामयाबी है तलब इल्म भी तो जब अल्लाह के रास्ते में निकलता है फरिश्ते उसके लिए पर बिछाते हैं और मनसला का तरीका यल इल्मन सफ़ूफ़ी हैलू तरीक़न लल जन्ना जो इल्म के रास्ते पर चला जो किसी रास्ते पर चला कि उसमें इल्म हासिल करे अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है और जन्नत अदन जन्नत अदन की बात हुई यहाँ तो अल्लाह ने चार चीज़ों को अपने हाथ से तख्लीक किया अर्श कलम आदम और जन्नत अदन फिर बाकी मखलूक़ात को कन से और जन्त अदन इसलिए कहा गया कि उसमें वो हमेशा मुक़ीम रहेंगे उससे कभी ना निकलेंगे और निकलना चाहेंगे भी नहीं और वहाँ रब का दीदार होगा हदीस में आता है जन्नत अदन में जन्नतियों के अपने रब के दीदार में कोई चीज़ रुकावट ना होगी सिवाय किबरियाई की चादर के जो उसके मुंह पर होगी वह उखरा तो हिब्बू नहा नसरुमिन वनकरीब वह बशरमिन और एक दूसरी चीज़ भी देगा जिससे तुम मोहब्बत करते हो वो है अल्लाह की तरफ से मदद और करीबी फता ये हमारी कमजोरी है हम आखरत के फायदे से पहले दुनिया का फायदा चाहते हैं पर फरमाए वो भी मिलेगा और मोमिनों को खुशखबरी दे दीजिए यानी अल्लाह की मदद आएगी और ऐसा हुआ मक्का फता हुआ और उसके बाद फारिस और रोम की अजीम शान सल्तनतों पर मुसलमानों का गलबा हुआ जो खिलाफत रास्ता के ज़माने में हुआ या अल्ल आम कन अंसार अल्लाह ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह के मददगार बन जाओ जैसे ईसा इब्ने मरियम ने हवारियों से कहा था कि अल्लाह की तरफ़ बुलाने में कौन मेरा मददगार है हवारियों ने कहा हम अल्लाह के मददगार हैं तो बनी इसराइल में से एक ग्रोह ईमान ले आया और एक ग्रोह ने कुफर किया बस जो लोग ईमान लाए हमने उनके दुश्मनों के मुकाबले पर उनकी मदद की तो वो गालिब आ गए हवारी कौन होता है खालस दोस्त बे मददगार जिसको आपसे कुछ नहीं लेना वो सिर्फ अल्लाह की खातिर आपको सपोर्ट करता है और सहाबा भी ऐसे ही थे हर तरह के हालात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर लबैक लब कहते थे दावत दीन तो दीन के दीन की दावत तबलीग के काम में आपके मददगार बन रहे थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम يسبح لله ما, في في الارض في الجمع. الجمع لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم الله سورة الجمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعة سورة جمعة اور منافقون يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم अल्लाह की तस्वीर कर रही है हर वो चीज जो आसमान और जमीन में है जो बादशाह है निहायत पाकिजा बहुत जबरदस्त खूब हिकमत वाला है नैनी कायन की हर चीज अल्लाह ताला के पाक होने की गवाही दे रही कि वो पाक है हर ऐब और हर कमी से रसूलिन वही है जिसने अनपढ़ लोगों में उन्ही में से एक रसूल भेजा जो उन पर उसकी आयत की तिलावत करता है और उनका तस्किया करता है और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है और बेशक ये इससे पहले यकीनन खुली गुमराही में थे और इससे पहले यकीनन ये खुली गुमराही में थे ये आयत जिसमें चार चीज़ों का हुक्म दिया गया आपको वो है क़ुरान की आयत की तिलावत करके लोगों को सुनाई जाए आपका तस्किया किया जाए किताब और हिकमत की तालीम ली जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसम ने यह काम दर्ज आतम पूरा किया फिर आपकी अजवाज को भी किताब और हिकमत की तालीम के का हुक्म दिया गया और फिर उम्मत में बाद में बहुत सारे लोग इस काम को करते चले आए अल्हम्दुलिल्लाह अलहुदा का जो सिलेबस है वो इसी आयद पर मबनी है कि लोगा आए अपनी तजवीज़ ठीक करें कुरान की आयत तिलावत करना जाने उनको किताब की तालीम दी जाए इसीलिए इस कोर्स का नाम तालीमुल कुरान है और उसको समझने के लिए हिकमत की तालीम हदीस की तालीम भी दी जाए और उसके साथ साथ इन चीज़ों के ज़रिए तस्किया का अमल भी हो यानी अमल की अमल की तरफ रगबत दिलाई जाए और इन में से कुछ और लोगों में भी भेजा जो अभी तक उनसे नहीं मिले हम जैसे लोग और वो बहुत ज़बरदस्त खूब हिकमत वाला है यानी अल्लाह रसूल को अरब उमियों में भेजा और गैर अरब उमियों में भी भेजा फद्लाती मैशा व्लाफजीम ये अल्लाह का फज़ल है जिसे चाहता है उसे अता करता है और अल्लाह बहुत बड़े फ़जल वाला है यानि इस्लाम अल्लाह का फज़ल है जिसको चाहता है मुसलमान कर देता है और अल्लाह के पास बड़ा फजल है उन लोगों की मिसाल जिनको तौरात का हामिल बनाया गया फिर उन्होंने इसे नहीं उठाया उनकी मिसाल गधे की मिसाल की तरह है जो किताबों का बोझ उठाता है कितनी बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह की आयत को जुट लाया और अल्लाह कौम को हिदायत नहीं देता तौरात के बोझ से मुराद तौरात पर अमल की ज़िम्मेदारी डाली गई थी पहली किताब पर लेकिन उन्होंने उसको निभाया नहीं लेकिन इस आयत में ूम भी है यानी अहल इस्लाम के वो लोग भी दाखिल हैं जो कुरान पढ़ते हैं लेकिन उसका फहम हासिल नहीं करते और ना उस पे अमल करते हैं तो इसलिए ये किताब जो हमारे हाथों में ये सिर्फ इसके उठाने का ही बोझ ना हो बल्कि इसको पढ़ा जाए उसको दिल में उतारा जाए और इस पर अमल भी किया जाए तो ये इससे हमसे पहले अहल किताब ने इससे मामूली फ़ायदा भी नहीं उठाया तो असल कुरान वो हैं जो कुरान पर जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करने वाले हों या सॉरी कुलिया यूहदी कह दीजिए ये लोगो जो यहूदी बन गए हो अगर तुम ये दावा करते हो कि दूसरे लोगों के सिवा तुम ही अल्लाह के दोस्त हो तो मौत की तमन्ना करो अल्लाह से जल्दी जा मिलो अगर तुम सच्चे हो और वो कभी भी इसकी तमन्ना नहीं करेंगे कि हम मर, हम मर जाए इसकी वजह से सॉरी इस वजह से जो उनके हाथों ने आगे भेजा या उसकी वजह से जो उनके हाथों ने आगे भेजा और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है इंसान जब गुनाह करता है ना तो उसे मौत से वहशत होने लगती है फिर और ज्यादा वो डरता है उससे कह दीजिए बेशक वो मौत जिससे तुम भागते हो यकीनन वो तुमसे मिलने वाली है मौत से तो फरार है ही नहीं फिर तुम पोशीदा और जाहिर को जानने वाले रब की तरफ लौटाए जाओगे तो वो तुम्हें बताएगा जो तुम जो कुछ तुम किया करते थे याद रखिए मौत इंसान को हर तरफ से घेरे हुए है किसी तरफ से भी बच निकलने का रास्ता नहीं वो घेरा तंग होता जा रहा है और एक दिन आके वो दबोच लेगी एलोगों जो ईमान लाए हो जुमा के दिन जब नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख छोड़ दो ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम इल्म रखते हो यानी जुमा की नमाज के लिए जल्दी करनी चाहिए एहतमाम के साथ आना चाहिए नहीं दौड़ने से मुराद सिर्फ सड़क पर दौड़ना नहीं है या पार्किंग लॉट में इससे मुराद अर्ली तैयारी शुरू करना है और एहतमाम करके आना है गौसल करना साफ़ लिबास पहनना तवज्जो से खुतबा सुनना और खुतबे के दौरान कोई फजूल हरकत ना करना आजकल अलहमदिल्ला जुमे की नमाज़ में खुवान काफ़ी तादाद में हाज़िर होती हैं खसूसा कैनेडा में ये ट्रेंड बहुत है कि मसाजिद में खातन की जगह भी है और हाजिर भी होती है लेकिन अहतमाम नहीं है कि जम जुमे कैसे पढ़ा जाता है उसका भी नहीं पता कभी सुन्नतें पढ़ना शुरू कर देती हैं कि हम जुमे के पहले सुनने के जुमे के तो सुनतें है, आई कोई नहीं यानी जो पहले वाली हैं वो तो सिर्फ ज़ोर की होती हैं तो हम जोर तो नहीं पढ़ रहे फिर ये कि ख़ुत के दौरान बातें करेंगे हंसी मजाक करेंगे कोई इधर उधर का खेल शुरू कर देंगे तो इन सब चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और किसी अच्छी किताब से जुमे के आदाब पढ़ कर मस्जिद जाएँ फिर जब नमाज़ पूरी हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और कसरत से अल्लाह का जिक्र किया करो ताकि तुम फलाह पा जाओ यानी जुमे के बाद छुट्टी उसके बाद तुम का अपना काम कारोबार कर सकते हो लेकिन रोजी की तलाश के दौरान भी मसरूफियत में भी अल्लाह का जिक्र नहीं भूलना और मस्जिद से निकलने के वक्त की दुआ भी यही अल्लाह मनी असल रुका मनफ लिख और जब अंदर आते हैं तो रहमत मांगते हैं कि हमें माफ़ कर दे अल्लाह इबादत के लिए बाहर निकले तो दुनिया में जा रहे हैं तो फजल अता कर व इज़ारजारतफिल और जब उन्होंने तजारत या खेल तमाशे को देखा तो उसकी तरफ़ दौड़ पड़े और आपको खड़ा छोड़ दिया कह दीजिए जो अल्लाह के पास है वो खेल तमाशे और तजारत से बेहतर है और अल्लाह बेहतरीन रिस्क देने वाला है نشهد ख़ुन لرسول अकल والله يعلم अकुन शुद्न والله يشهد करसूल المنافقين काबून जब मुनाफिक आपके पास आते हैं तो कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह जानता है कि आप यकीन उसके रसूल हैं और अल्लाह गवाही देता है कि बेशक मुनाफिक झूठे हैं यानी मुनाफिक कसम खा कर अपनी बातों की यकीन दहानी कराते हैं लेकिन अल्लाह उनकी कसमों को नहीं मानता क्यों क्योंकि वो बात करें तो झूठ बोलें वादा करें तो खिलाफ करें अमानत रखी जाए उनके पास तो ख्यात करें तो ऐसे लोगों की फिर कस्में बेतबार हैं और ख़ास तौर पर झूठ बोलना जो है ये मुनाफिक का वतीरा है इन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है बस इन्होंने अल्लाह के रास्ते से रोका बेशक बहुत बुरा है जो कुछ ये कर रहे हैं ये इसलिए कि ये ईमान लाए फिर इन्होंने कुफर किया तो अल्लाह ने इनके दिलों पर मुहर लगा दी सॉरी तो इनके दिलों पर मुहर लगा दी गई लिहाजा ये समझते नहीं असल में मुनाफिक जो होता है ना दुनियावी फ़ायदों की खातिर दीन को छोड़ देता है और जब दुनिया की वजह से दीन को छोड़ा जाए तो ये दिल पर मुहर लगने का सबब बन जाता है क्योंकि इंसान को पता होता है ना मैं ठीक नहीं कर रहा तो फिर बार बार यही कुछ हो रहा होता है अंदर एक स्ट्रगल जारी होती है फिर एक दिन आता है कि दिल बंद हो जाता है और इंसान पूरे का पूरा दुनिया की तरफ चल पड़ता है फिर उसे एहसास भी उससे मिट जाता है कि वो गलत कर रहा है और जब आप इन्हें देखें तो इनके जिस्म आपको खुशनुमा लगें और जब आप इन्हें देखें तो इनके जिस्म आपको खुशगुनवा लगेंगे तो इनके जिस्म आपको खुशनुमा लगेंगे गोया के ये टेक लगाई हुई लकड़ियां हैं और अगर ये बात करें तो आप इनकी बातें सुनते रह जाएंगे ये हर बुलंद आवाज़ को अपने खिलाफ समझते हैं यही असल दुश्मन है बस इनसे मोहतात रहिए गारत करे कहाँ से फेरे जाते हैं यानी ये बड़े खूबसूरत हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखले हैं बगैर रूहों के लाशें हैं बग़ैर अक़ल के जिस्म हैं इनको ज्यादा लकड़ियों से तशबी दी गई क्योंकि वो खुद खड़ी नहीं रह सकती किसी चीज़ के साथ सहारा देना पड़ता है और बाहर से पता नहीं चलता कि अंदर से खोखली हैं या नहीं अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फोहश गोई और ज़्यादा बातें करना निफाक के शोबे हैं इन बातें करना फोहश बातें करना और बहुत बोलना इससे परहेज़ करना चाहिए क्योंकि ऐसा इंसान वो सब कुछ कर नहीं रहा होता जो वो कह रहा होता है फिर वो बातों से ही दूसरों को खुश करता है अबू उस्मान नाहदी कहते हैं मैं उमर रज़ी अल्लाह रज्लाह के पास था और वो लोगों से खिताब कर रहे थे उन्होंने अपने खुतबे में फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे अपनी उम्मत पर सबसे ज्यादा डर उस मुनाफिक का है जो जबान आवर होता है क्योंकि अपनी बातों से वो दूसरों को गलत चीज़ों पर कन्विंस कर लेता है और जब इनसे कहा जाता है कि आओ अल्लाह के रसूल आओ अल्लाह के रसूल तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करें तो ये अपने सरों को मोड़ लेते हैं और आप इन्हें देखते हैं कि ये तकबर करते हुए रुक जाते हैं यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना इनको पसंद नहीं इनके लिए यकसा है खा खा आप इनके लिए बख्शिश मांगें या ना मांगें अल्लाह इन्हें हरगिज नहीं बख्शेगा बेशक अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता अन्य मुनाफिक के हक़ में फिर आपकी दुआ दौा, दुआए बख्शिश ना होगी यही वो लोग हैं जो कहते हैं इन लोगों पर खर्च ना करो जो रसूल अल्लाह के पास हैं यहाँ तक कि ये मुंतशिर हो जाए जब कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो सब छोड़ देंगे आपको हालांकि आसमानों और ज़मीन के ख़जाने अल्लाह ही के हैं लेकिन ये मुनाफिक नहीं समझते ये कहते हैं अगर हम मदीना की तरफ़ वापस लौटे तो जो इज़्ज़त वाला है वो जिल्लत वाले को वहां से ज़रूर निकाल बाहर करेगा और इज़्ज़त तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए और मोमिनों के लिए है लेकिन मुनाफिक नहीं जानते असल में ग़बा के में ये लोग भी शामिल हो गए थे और वहाँ इन्होंने कुछ ऐसी शरारतें की और नबी सल्लल्लाहु सल्ला व सहाबा के बारे में कुछ बातें की वो बातें आप तक पहुँचीं जब आपने तहक़ीक़ की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और फिर उस पर कहने लगे कि हम जब वापस जाएंगे मदीना तो हम इन लोगों को यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और साबा को वहां से निकाल देंगे हमारे मुल्क में आके ये कर रहे हैं यादीना वला औलादुकुम अम ज़िक्रिल्लाह ऐ लोगो जो ईमान लाए हो तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मोहब्बत में इंसान शदीद मुबतला होता है व अन हुब्बिल खैरलाशदीद और उसके साथ साथ उसकी औलाद उसको बड़ी प्यारी होती है माल में कुछ कमी हो जाए तो इंसान सबसे पहले दीन का काम छोड़ता है और इसी तरह औलाद को कोई बीमारी हो जाए तकलीफ़ हो जाए या कोई गम दुख हो तो सबसे पहले इसी काम को खैरबाद कहता है अला माशा तो यहाँ पर फरमाया कि माल और औलाद की खिदमत तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना करे क्योंकि बच्चों से यहाँ बातें करते रहते हैं या उनके काम करते रहते हैं और उन्हीं में खोए रहते हैं और फिर अल्लाह को भूल जाते हैं नमाजें भी लेट पड़ते हैं बाज माएँ तो नमाजें छोड़ देती बच्चा पैदा हुआ नमाज छोड़ दी क्या है मसरूफियत तो मसरूफियत तो बहाना ही नहीं है नमाज के लिए और जो ऐसा करे तो यही लोग खसारा पाने वाले हैं यानी जो माल और औलाद में खो जाए और अल्लाह के जिक्र को भूल जाए तो ऐसे लोग नुकसान उठाएंगे। ज़िक्र में अल्लाह ताला के सिफात भी हैं अल्लाह की तस्वीर और उसकी हम अल्लाह की बड़ाई बुजुर्गी तकबी तहलील अल्लाह ताला के पर अमल करके उसका जिक्र करना और अफजल तरीन जिक्र है क़ुरान पढ़ कर अल्लाह को याद रखना फिर इसी तरह इस्तबार करना दुआ मांगना आज और इनके सारी करना फिर फरमाया निफाक दूर करने वाली चीज़ है इनफाक फी सभी अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना और जो रिस्क हमने तुम्हें दिया है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करो इससे पहले कि तुम में से किसी को मौत आ जाए तो वो कहे ऐ मेरे रब तूने मुझे करीब मुद्दत तक मोहलत क्यों ना दी कि मैं सदका करता और नेक लोगों में से हो जाता यानी मौत के वक्त इंसान की तमन्ना क्या होगी कि एक दफ़ा मैं वापस जाऊँ और अपना माल अपने लिए आगे के लिए ख़र्च करके आऊँ देखिए हम माल किस तरह ख़र्च करते हैं या अपनी दुनिया की ज़रूरत के लिए या अपने बच्चों की ज़रूरियात के लिए या जाती ज़रूरियात के लिए या अपने आस पास वालों की ज़रूरियात के लिए जिनकी कफालत हमारी जिम्मे होती है बाज़ हम जरूरत के लिए खर्च करते हैं और बाज़ ज़रूरत के लिए नहीं सिर्फ लग्जरी के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ़ अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कि हमारी ज़िंदगी थोड़ी खुशगवार हो जाए अच्छी हो जाए कम्फर्टेबल हो जाए वगैरह वगैरह स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए लेकिन अपनी आखिरत के लिए क्या खर्च करते हैं वो भी तो अपने लिए खर्च करना है ना फिर वहाँ के लिए कुछ बचता ही नहीं या बचता है तो बहुत थोड़ा बचता है और जब किसी शख्स की मौत का वक्त आ जाता है तो अल्लाह उसे हरगिज़ मोहलत नहीं देता ور الله اسكي خوب خبر رکھنے والا ہے جو سوره التغابن بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الله की तस्बी कर रही है हर वो चीज जो आसमानों में है और ज़मीन में है उसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए सब तारीफ है और वो हर चीज़ पर खूब कादिर है यानी सारी मखलूक़त अल्लाह के खालिक होने की दलील हैं इसलिए वो अपने खालि को याद करती रहती हैं वो खलकुम वही है जिसने तुम्हें पैदा किया फिर तुम में से कोई काफिर है और कोई मोमिन और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसे खूब देख रहा है अल्लाह ने चूंकि च्वाइस दी है इसलिए कुछ लोग मान जाते हैं कुछ नहीं मानते उसने आसमानों और ज़मीन को हक के साथ पैदा किया और उसी ने तुम्हारी सूरतें बनाई तो बहुत अच्छी बनाई और उसी की तरफ लौट कर जाना है वापसी भी उसी की तरफ है वो जानता है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है और वो जानता है जो तुम छुपाते हो जो तुम जाहिर करते हो और अल्लाह तो सीनों के भेद खूब जानने वाला है क्या तुम्हारे पास उन लोगों की खबर नहीं आई जिन्होंने इससे पहले कुफर किया था फिर उन्होंने अपने किए का बबाल चखा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है इंसान को कुफर करने वाली पिछली कौमों के अंजाम पर नजर रखनी चाहिए कि अल्लाह ने उनको बर्बाद कर दिया तो अल्लाह की नाफरमानी में कोई खैर नहीं दुनिया में भी लोग अपनी सरकशी का बवाल चख लेते हैं ये इसलिए कि उनके रसूल उनके पास वाजे दलाल लेकर आते थे तो ये कहते क्या इंसान हमारी रहनुमाई करेंगे बस उन्होंने कुफर किया और मुंह मोड़ गए और अल्लाह ने भी उनकी परवाह ना की और अल्लाह बहुत बेनियाज खूब तारीफ वाला है वो लोग जिन्होंने कुफर किया उन्होंने दावा किया कि वो हरगिज़ नहीं उठाए जाएंगे उन्होंने दावा किया कि वो हरगिज़ उठाए नहीं जाएंगे कह दीजिए क्यों नहीं मेरे रब की कसम तुम यकीनन ज़रूर उठाए जाओगे फिर जो कुछ तुमने किया ज़रूर उसकी खबर दिए जाओगे और ये अल्लाह पर बहुत आसान है बस ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस नूर पर जो हमने नाजिल किया है और अल्लाह उसकी खूब ख़बर रखने वाला है जो तुम करते हो नूर से मुराद अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा वही है जिस दिन वो तुम सबको जमा होने के दिन जमा करेगा वो हार जीत का दिन होगा कुछ लोग हारेंगे कुछ जीतेंगे और जो कोई अल्लाह पर ईमान लाए और नकमल करे वो उससे उसकी बुराइयाँ दूर कर देगा और उसे ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी वो उनमें हमेशा रहने वाले हैं यही बहुत बड़ी कामयाबी है तो यहाँ क़यामत के दिन को यौम तगाबुन जी हाँ यौम तगाबुन कहा गया तगाबुन तिजारत में बह में दूसरे को नुकसान पहुँचा के खुद फ़ायदा हासिल करना होता है ये क़यामत के नामों में से एक नाम है उस दिन जन्नती जहन्नमियों को नुकसान में रख कर ख़ुद फ़ायदा हासिल करेंगे कुछ लोग जीतेंगे कुछ हारेंगे और जिन लोगों ने कुफर किया और हमारी आयात को जुटलाया यही लोग अल्लाह यही लोग आग के साथी हैं और जिन लोगों ने कुफर किया और हमारी आयात को जुटलाया यही लोग आग के साथी हैं हमेशा उसमें रहने वाले हैं और वो लौट कर जाने की बहुत बुरी जगह है मा अब मुसीबत अदिन उम बिल्लाब वह बिकल्लिसम कोई मुसीबत अल्लाह के इज़न के बग़ैर नहीं पहुँचती और जो अल्लाह पर ईमान रखता है वो उसके दिल को हिदायत दे देता है और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है यानी तकदीर पर ईमान लाना ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें अल्लाह ने हमारे हिस्से में लिखी होती हैं कि बंदों पर आजमाइश आएगी इस मामले में क्योंकि तकलीफ़ें मोमिन मुनाफिक मशरक काफिर सब पर आती हैं क्योंकि ये इंसान के इम्तहान के लिए है लेकिन तकलीफ़ आने पर सब में फ़र्क हो जाता है जो मोमिन होता है वो हर हाल में अपने रब से राजी होता है वो सब्र शुक्र के साथ उस वक्त को गुजारता है काफिर मुसीबत और परेशानी में अल्लाह से नाराज होता है और शिकवे करता है और जिस शख्स को ये बात समझ आ जाए कि मैं अल्लाह की रज़ा पर राज़ी मुझे अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होना है तो गया उसको बहुत बड़ी नेमत मिल गई उस पर फिर अल्लाह की तरफ से सुकून और इतमान नाजिल होता है और वो हर तरह के हालात में अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहता है व अति अल्लाह व अति रसूल और अल्लाह की इतात करो और रसूल की इतात करो फिर अगर तुम मुँह मोड़ते हो तो बेशक हमारे रसूल के जिम्मा तो वाज तौर पर पहुँचा देना है यानी अल्लाह के अलावा अल्लाह के रसूल की इतात भी दीन का हिस्सा है अल्लाह ला व्ला फल तवक्लमुत मिन अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और अल्लाह ही पर मोमिनों को तवक्ल करना चाहिए यानी जिस तरह तकदीर अल्लाह के हाथ में है मुसीबत या राहत भी उसके हुक्म से आती है तो ऐसे हालात में अल्लाह की तरफ रुझू किया जाए उस पर भरोसा किया जाए उसको पुकारना और उस पर तवक्ल करना इबादत है या यूहदीना अमनू इन नजवाजुम औलाद कुम अदुम फहदरु हम ऐ लोगों जो ईमान लाए हो बेशक तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी औलाद में से बाज तुम्हारे दुश्मन हैं इतने क़रीबी रिश्ते भी तुम्हारे दुश्मन हो सकते हैं बस उनसे मोहतात रहो और अगर तुम माफ़ कर दो और दरगुजर करो और बख्श दो तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है यानी ये दुश्मन कब है तुम्हारे कि तुम्हारे दीन के दुश्मन हैं क्योंकि जो औलाद दीन में मददगार होती है दीन पर अमल करने वाली होती है वो आंखों की ठंडक होती है और यहाँ बीवी और औलाद का खास जिक्र किया गया क्योंकि इंसान बीवी के लिए शौहर भी तो क्योंकि इंसान की तबीयही मोहब्बत होती है इन लोगों के लिए चाहे इख्तलाफा हो चाहे कुछ भी हो लेकिन अल्लाह ने एक मोहब्बत डाली होती है इन रिश्तों में और ये ऐसे रिश्ते हैं जिनको छोड़ा नहीं जा सकता इसलिए इनके साथ भी रहना है तो फिर अच्छे तरीके से रहो उसने मामला करो वहाशरू होना बिलमूफ़ उनसे कै... और वो कैसे मुमकिन है दरगुजर करके अब वो दरगुजर और नसीहत और फिर माफ़ करना और बख्श देना जाने देना बातों को दिल में नहीं रख के बैठ जाना तो यही तरीका है ज़िंदगी की गाड़ी चलाने का ये इसका फ्यूल है इसके बग़ैर बहुत मुश्किल हो जाती है कौन इंसान है जो गलती नहीं करता अगर आपको किसी से शिकायत है तो किसी को आपसे भी तो होगी ना सिर्फ दूसरा ही तो नहीं गलत आप में भी तो कुछ गलतियां भी हो, होंगी तो इसलिए इंसान को हमेशा दरगुजर से काम लेना चाहिए माफ़ करते रहना चाहिए और उसका फायदा क्या होगा अल्लाह तुम्हें बख्श देगा और यह माफ़ करने से औलाद की असलाह भी होती है फिर लेकिन अगर आप हर बात पर नोक झोंक हर, हर बात पर गुस्सा करें तो और बिगाड़ होता है इन नाम वकुम बलादुम फितना अजरुन अजीम बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद एक आजमाइश है और अल्लाह के पास बहुत बड़ा अजर है वो अच्छे भी हों नेक भी हों फिर भी आजमाइश है क्योंकि फिर हर वक्त खौफ लगा रहता है कि ये कहीं इनको कुछ हो ना जाए ये कहीं चले ना जाए पत हमस्ताा तुम वस्माऊ व अति व अनफिकु, खीरल अनफिकुम बस अल्लाह से डरो जितनी तुम इसतात रखते हो और सुनो और इतात करो और ख़र्च करो तुम्हारे लिए यही बेहतर है और जो कोई अपने नफ्स की बकीली से बचा लिया गया तो यही लोग फलाह पाने वाले हैं तो माल और औलाद के फितने से बचने के लिए क्या करना चाहिए चंद चीजों की ताकीद की गई हसब इस्त तकवा समा और एतात और उसके रास्ते में खूब माल खर्च करना बुखल से गुरेज करना और यहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात की गई फत मस्तातु जितनी तुम्हें इस्तात उतना अल्लाह से डरो क्योंकि जो शख्स इस्तेतात के बावजूद अहकाम पर अमल नहीं करता उसके लिए अल्लाह की पकड़ भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से समा और इतात पर बैत भी लिया करते थे कि हम सुनेंगे और हम इतात करेंगे इन तरजोल्ला कर्जन हसनन युदाइफलकुम व यकबरलकुम वल्ल शक्कर हलीम अगर तुम अल्लाह को कर्ज़ हसना दोगे तो वो उसे तुम्हारे लिए कई गुना बढ़ा देगा और तुम्हें बख्श देगा और अल्लाह नहायत का दर्दा नहायत पुरुदार है यानी थोड़ा ख़र्च करने पर भी बेहिसाब अजर देगा तुम्हारे गुनाहों को फौरी नहीं पकड़ता तुम्हें तो माफ़ कर देगा आलिमी व हकीम, हर पोशीदा और का जानने वाला है बहुत जबरदस्त और खूब हमत वाला है बिस्मान एनबी एन जब तुम औरतों को तलाक दो तो उन्हें उनकी इद्दत के आगाज़ में तलाक दो और इ्दत को शुमार करो और अल्लाह से डरो जो तुम्हारा रब है न तुम उन्हें उनके घरों से निकालो घर औरत का होता है उन्हें उनके घरों से नहीं निकालो और ना वो खुद निकलें मगर यह कि वो खुली बेहयाई का इरतकब करें फिर उस सूरत में रहने की हकदार नहीं और ये अल्लाह की हदूद है और जिसने अल्लाह की हदूद से तजावज़ किया तो यकीनन उसने अपनी जान पर जुल्म किया आप नहीं जानते शायद अल्लाह इसके बाद कोई नई सूरत पैदा कर दे यानी एक दफ़ा तलाक दिया है निकाल बाहर नहीं करो घर में ही रखो औरत इद्दत घर में ही गुजारे अगर इस दौरान शौहर तीन महीने के अंदर अंदर रुजू भी कर सकता है तो हो सकता है कि गुस्से में आके तलाक दिए और औरत घर में ही है और उसको भी समझ आ जाएगी कि मेरे लिए कोई अच्छा फैसला न, अच्छा फैसला नहीं और उसके रवैये में भी बेहतरी आएगी तो इस सूरत में हो सकता है कि अल्लाह ताला कोई नई सूरत पैदा कर दे तुम्हारे दरम्यान कोई यानी कि अच्छे ताल्लुक अच्छे हो जाए तुम्हारी दोस्ती हो जाए और अगर रुख्सत कर दिया तो फिर अल्लाह ताला दोनों के लिए एक और रास्ता खोल देगा फिर जब वो अपनी इद्दत की मियाद को पहुंचे तो इन्हें भले तरीके से रोक लो या भले तरीके से जुदा करो भले तरीके से मारूफ मारूफ जो नेक इंसान होता है ना उसके ऐसे ही अंदाज होते हैं और अपनों में से दो अदल वालों को गवाह बना लो और अल्लाह के लिए गवाही कायम करो ये नसीहत उसे की जाती है जो अल्लाह और योम आखरत पर ईमान रखता हो और जो अल्लाह से डरेगा वो उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा बड़ी खूबसूरत आयत है वो मैय तक है मखरजा कोई ना कोई वे आउट निकल आएगा यानी जो तकवा इख्तियार करेगा मारूफ तरीके से दूसरे के लिए मामला करेगा अल्लाह उसके लिए कोई और रास्ता निकाल देगा आसानी कर देगा ये तकवा के फायदे हैं कुरान में मुश्किल से निकलने के लिए सबसे बड़ी आयत यही है कि किसी भी मुश्किल का आप शिकार हैं आप अल्लाह का तकवा अख्तीय करें और वो उसे वहां से रिस्क देगा जहां से वो गुमान भी नहीं करता था और जो कोई अल्लाह पर तवक्ल करे तो वो उसे काफी है वो काफी हो जाएगा बेशक अल्लाह अपने काम को पूरा करने वाला है यकीन अल्लाह ने हर चीज के लिए एक अंदाज़ा मुकर कर रखा है जैसे चाहे अपने डरने वाले के लिए अल्लाह निजात की राहें पैदा कर देबाब तो उसके हाथ में है ना वो कोई भी सबब बना सकता है और तुम्हारी वो मुतलका औरतें जो हैज से मायूस हो चुकी हों अगर तुम्हें शक हो तो इनकी इद्दत तीन माह है और उन औरतों की भी जिन्हें अभी तक हैज नहीं आया और जो हमल वाली हैं तो उनकी इ्दत यह है कि वो अपना हमल वज़ा कर दें और जो अल्लाह से डरेगा तो अल्लाह उसके लिए उसके काम में आसानी पैदा कर देगा तो आसानियों का रास्ता तकबा है यह अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है और जो कोई अल्लाह से डरेगा वो उससे उसकी बुराइयां दूर कर देगा और उसको बहुत बड़ा अजर अता करेगा तो तकबा के बहुत फायदे हैं इस सूरत में पांच फायदे बताए गए कि अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देगा उस जगह से रिस्क देगा जहां से उसे गुमान भी नहीं होगा उसके मामला पे आसानी पैदा कर देगा उसके गुनाह माफ कर देगा और उसे अजर अजीम अता फरमाएगा अस्किन तुम बुजुम उन्हें अपनी वसत के मुताबिक वहां रिहाइश दो जहां तुम खुद रहते हो और उन पर तंगी करने के लिए तुम उन्हें तकलीफ ना दो और अगर वह हमल वाली हो तो उन पर खर्च करते रहो खिलाओ पिलाओ उनको यहाँ तक कि वो अपना हमल वज़ा कर दें फिर अगर वो तुम्हारे लिए दूध पिलाएं यानी बच्चे को तो उन्हें उनकी उजरतें अदा कर दो और आपस में भले तरीके से मशवरा किया करो तलाक के बाद भी और अगर तुमने वाहम दुश्वारी पैदा की तो उसको कोई और दूसरी औरत दूध पिला देगी तो, तो इससे क्या पता चलता है कि पहली या दूसरी तलाक में इद्दत पूरी होने तक औरत को घर से नहीं निकाला जा सकता और यहां पर यह नहीं कि कहीं भी रख दो जहां तुम खुद रहते हो वहां रखो उनको नहीं अपनी वसत के मुताबिक हैसियत के मुताबिक और इस दौरान शौहर के घर रहते हुए खर्चे का जिम्मेदार शौहर ही होगा औरत अलग से नहीं कमा सकती अलग से नहीं कमाएगी और दौरान इद्दत किसी औरत को अजियत भी नहीं देनी चाहिए वला तो उदा रू हन्ना तोय और हामला औरत का इद्दत नान नफका भी शोहर के हिस्से में है तलाक़ याफ़्ता औरत का बच्चा बाप होता है तलाक़ याफ्ता औरत का बच्चा बाप का होता है माँ का नहीं होता क्योंकि औलाद बाप की तरफ से चलती है छोटा है बच्चा लेकिन जब बड़ा होकर तो तो उसको च्वाइस दी जाएगी कि वह किसके साथ जाता है लेकिन नस्बत उसकी अपने बाप की तरफ होगी मामू खाला, खालू वगैरह की तरफ नहीं होगी वसत वाले को अपनी वसत के मुताबिक खर्च करना चाहिए और जिस पर उसका रिस्क तंग किया गया उसे चाहिए कि वो उसमें से खर्च करे जो अल्लाह ने उसे दिया जितना है उसमें से ही दे दो अल्लाह किसी जान पर बोझ नहीं डालता मगर उतना ही जितना उसने उसको दिया तंगी के बाद आसानी पैदा कर देगा और कितनी ही बस्तियां हैं जिन्होंने अपने रब के और उसके रसूलों के हुक्म से सरकशी की तो हमने उनका सख्त हिसाब लिया और उन्हें हौलनाक अजाब दिया अल्लाह ताला के अहकाम को जब इंसान जाया करता है तो उसका ऐसा ही नतीजा निकलता है तो उन्होंने अपने किए का बबाल चखा और उनके काम का अंजाम खसारा था अल्लाह ने इनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है बस अल्लाह से डरो अकल वालो वो जो ईमान लाए हो यकीन अल्लाह ने तुम्हारी तरफ एक जिक्र नाजिल किया है पिछली आयात में दुनिया के अजाब का जिक्र था इसमें आखरत के अजाब का जिक्र है हम सब को अल्लाह और उसके रसूल की सरकशी से बचना चाहिए हर हुक्म को मानना चाहिए रसूल रसूलू अल कुमत मुबैन एक ऐसा रसूल जो तुम पर अल्लाह की आयत आयात वाज़िक, जो तुम पर अल्लाह की वाज आयत की तिलावत करता है ताकि वो ईमान वालों को और उन लोगों को जिन्होंने नेक अमल किए तारीखियों से नूर की तरफ निकाल लाए और जो कोई अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे वो उसे ऐसे बाग़ा में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरे बह रही होंगी वो उनमें हमेशा रहने वाले हैं अब तक यकीन अल्लाह ने उसे अच्छा रिस्क दिया है क़ुरान के साथ हदीस की हिफाजत का भी अल्लाह ने लिया है अल्लाह अल्लाह वही है जिसने सात आसमानों को पैदा किया और इन ही की जमीन भी सात जमीने भी है और उनके दरमियान हुक्म उतरता रहता है ताकि तुम जान लो कि बेशक अल्लाह हर चीज पर खूब कुदरत रखने वाला है और यह कि अल्लाह ने हर चीज का इल्म से यकीनन अहाता कर रखा है अब ये जो आसमान है इनकी कैफियत हम नहीं जानते अल्लाह ने बता दिया हमारा इस पर ईमान है कि साथ ही आसमान है और इससे ज़मीनें भी बता दी। तो हम इसको मानते हैं कि ज़मीनें भी ऐसे ही होंगी और अब तो इतने सारे डिस्कवर हो चुके हैं तो इंसान के लिए हो सकता है एक दिन वो जाके किसी और ज़मीन के लोगों को डिस्कवर कर ले और यहाँ पर अल्लाह के इल्म के अहाते का जिक्र किया गया क्योंकि जब इंसान को यह पता चलता है कि अल्लाह ताला हर चीज के बारे में मेरे इल्म रखता है तो फिर वो अच्छे कामों की कोशिश करता है सूरत तहरीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاه ازواجك والله غفور رحيم سوره التحريم يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك तब तगी मरदाता अजवाजिक वल्ल गफ़ूर रहीम ए नबी आप क्यों हराम करते हैं उस चीज़ को जिसे अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया है आप अपनी बीवियों की रज़ामंदी चाहते हैं और अल्लाह बहुत बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है रवायात में आता है कि आपने शहद अपने ऊपर हराम किया था लेकिन अल्लाह ने उससे रोक दिया बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए अपनी कसमों से निकलने का तरीक़ा मुकर कर दिया है यानी अगर कसम खा भी लिया तो कसम तोड़ दो कफारा दे दो और अल्लाह तुम्हारा मौला है और वो खूब इल्म वाला खूब हिकमत वाला है तो इससे पता चलता है कि अगर आपने किसी बात पे कसम खाई लेकिन उससे बेहतर चीज पाई तो फिर कसम तोड़ के कफारा दे दें और नाजायज काम की तो कसम तोड़ के लाजमन कफारा दें तो अल्लाह सुबहान तआला ईमान वालों का दोस्त है इसलिए उसने ईमान वालों को मुश्किल जगहों से निकलने के रास्ते बता दिए हैं और जब नबी ने अपनी किसी बीवी से राज की कोई बात कही तो जब उसने उस बात की खबर दे दी और अल्लाह ने उसको उस नबी पर जाहिर कर दिया तो उसने उसका कुछ हिस्सा बीवी को बता दिया और कुछ से एराज किया फिर जब उस नबी ने उसको उसकी खबर दी तो वो कहने लगी आपको ये किसने बताया है कहा मुझे उसने बताया है जो सब कुछ जानने वाला बहुत बाखबर है इससे पता चलता है कि अम्बिया के घर आने वाले भी इंसान होते हैं और उनके दरमियान भी इंसानों वाली कभी बशी होती रहती है इन ततुबाला फ़कत सगत कुलूब कुमा और अगर तुम अगर तुम दोनों अल्लाह से तोबा कर लो तो बहुत बेहतर बहुत है यकीनन तुम्हारे दिल भटक गए हैं और अगर तुमने उस नबी के खिलाफ एक दूसरे की मदद की एक दूसरे की मदद की तो बेशक अल्लाह उसका मौला है और ज़िब्रिल और साले मोमिन और उसके बाद फरिश्ते भी उसके मददगार हैं असा इन कुन्ना कायुब दिलहू अज़वाजन खैरा मिन कुन्ना सॉरी असा रब इन मिन कुन्ना मुस्लिम आबिदातिन आबिदातिन साबका अगर वो तुम्हें तलाक दे दे तो उम्मीद है कि उसका रब उसे बदल कर तुमसे बेहतर बीमिया अता कर दे जो मुसलमान मोमिन इताद गुजार तोबा गुजार इबादत गुजार रोजेदार हों शोहर दीदा और हो। इस आयत से मिलती जुलती आयत सूरत अल अलाजाब में भी गुजरी है तो इस आयत में सब बीवियों से खिताब है कि अगर तुम नबी के साथ तावन नहीं करोगी तो फिर अल्लाह उसका दोस्त है जबरील दोस्त हैं और सारे नेक मोमिन दोस्त हैं और फ़रिश्ते भी तुम क्या करोगी अकेली और फिर अगर वो तुम्हें तलाक दे दे तो अल्लाह ताला उसको और भी भी के पास तो बहुत कुछ है तुम्हारे पास क्या होगा अल्लाह ताला उसे कर देगा या लोगो जो ईमान लाए हो अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है उस पर सख्त दिल मजबूत फरिश्ते मुकर है जो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते जो भी वो उन्हें हुक्म देता है और वो वही करते हैं जो वो हुक्म दिए जाते हैं ये ईमान वालों की एक नहायत अहम जिम्मेदारी उन्हें बताई जा रही है उसकी तरफ तवज्जो दिलाई जा रही कि सिर्फ ख़ुद ही नेक नहीं बनो अपने बच्चों का भी ख्याल करो अपने घर वालों का भी उनकी तालीम और तरबियत का एहतमाम करो उनके अमाल और अखलाक की असलाह का एहतमाम करो उन्हें दीन की तलीम दो उन्हें अल्लाह की पहचान कराओ उन्हें रसूल से मुहबत सिखाओ सब से महब्बत सिखाओ उन्हें नमाज का तरीका सिखाओ उन्हें ज़िंदगी गुजारने के इस्लामी आदाब और अखलाक सिखाओ ये मुसलमान पेरेंट्स की जिम्मेदारी है वरना इस पर पूछ होगी हमारा काम सिर्फ ये नहीं कि उनको कमा के ला दें और पका के खिला दें बल्कि अखलाकी तरबियत ईमानी तरबियत भी ज़रूरी है नबी सल्ला वम अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म देते थे और बचपन से ही बच्चों को अहकाम पर अमल की आदत डालनी चाहिए या यूदीन कफ़र उलाताजुरोउम इन नम तुझ ना कुमताम ए लोगो जिन्होंने कुफर किया आज के दिन तुम आजरत ना करो यकीन तुम उसी का बदला दिए जा रहे हो जो तुम किया करते थे जहन्ना में जाने के बाद जहन्नमी उज़र पेश करेंगे लेकिन उनके उज़र काबिल कबूल नहीं होंगे ए लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह से ख़ालिश तोबा करो उम्मीद है तुम्हारा रब तुमसे तुम्हारी बुराइयाँ दूर कर दे और तुम्हें ऐसे बागों में दाखिल करे जिनके नीचे नहरें बहती हैं जिस दिन अल्लाह नबी को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए रस्वा न करेगा उनका नूर उनके आगे आगे और उनकी दाई जानेब दौड़ रहा होगा वो कहेंगे हमारे रब हमारे लिए हमारा नूर तमाम कर दे और हमें बख्श दे बेशक तो हर चीज़ पर खूब कुदरत रखने वाला है तो जहन्नम से बचने का तरीका क्या है नसूह करना सच्ची और खालिश तोबा करना अल्लाह की तरफ पलट आना गलती तो हो जाती है लेकिन आइंदा ना करने का वादा करके नेकी की तरफ वापस पलट आए और अगर बंदों के हकूक मारे हैं तो जहां तक मुमकिन हो उन्हें अदा करें और माफी मांगे और फिर आप देखिए कि ईमान वाले अपने नूर के पूरा होने की दुआ मांगेंगे दुनिया में भी मांगनी चाहिए लेकिन ख़ास तौर पर आखिरत में क्योंकि हशर के मैदान में ईमान वालों और मुनाफिक के दरमियान दीवार हायल की जाएगी और मुनाफिक अंधेरे में आ जाएंगे तो ईमान वाले इस खौफ से इस खौफ से कि मुनाफिक की तरह हमारी रोशनी भी बुझ ना जाए वो अल्लाह से नूर को पूरा करने आखिर तक साथ होने की दुआ करेंगे अहनबी नबी कुफार और मुनाफिक से जहाद कीजिए एनबी नबी कुफार और मुनाफिक से जिहाद कीजिए और उन पर सख्ती कीजिए और उनका ठिकाना जहन्नम है और वो बहुत बुरा ठिकाना है फिर फरमाया अल्लाह ने उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया नूह की बीवी की और लूत की बीवी की एक और एक की एक मिसाल बयान की है और लूत की बीवी की एक मिसाल बयान की है वो दोनों हमारे दो नेक बंदों के निकाह में थी तो उन दोनों ने उनसे खयानत की तो अल्लाह के मुकाबले में उनके कुछ भी काम ना आए और कह दिया गया कि दाखिल होने वालों के साथ तुम दोनों भी आग में दाखिल हो जाओ तो इससे क्या पता चलता है कि अगर किसी नेक बंदे की बीवी नेक ना हो तो वो उस उसको कोई फ़ायदा नहीं दे सकता हर एक को अपना अपने लिए खुद ही कुछ करना है और पैगंबर की बीवी होते हुए भी इंसान अगर गलत काम करता है तो उसकी उसके लिए जहन्नम से फिर निजात नहीं नू सलाम के बेटे इब्राहिम के बाप और दीगर भी लोग ऐसे थे कि जिनके वालदेन में से कोई मुसलमान नहीं कोई माँ मुसलमान नहीं तो उस पर उन्हें समझाया जा रहा है ये किससे अजवाज मतहरात को सुनाने के लिए नहीं उनके ईमान और तकवा की तो अल्लाह ताला ने मिसाल दी है कुरान में ये दरअसल अहले ईमान को आम लोगों को बताया जा रहा है और अल्लाह ने उन लोगों के लिए जो ईमान लाए फिर की बीवी की विशाल बयान की है जब उसने कहा मेरे मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना दे और मुझे फिर और उसके अमल से निजात दे और मुझे जालिम कौम से निजात दे मबनता इमरान अल्लाहत फरजहा और इमरान की बेटी मरियम की मिसाल बयान की जिसने अपनी शर्मगाह को महफूज रखा तो हमने अपनी एक रूह उसमें फूंक दी और उसने अपने रब के कलमात की और उसकी किताबों की तस्दीक की और वो फरमा बरदारों में से थी और वो फरमा बरदारों में से थी वकानत मिनल कानितीन यानी हमारे लिए रोल मॉडल कौन है हज़रत मरियम जिन्होंने पाकिजा ज़िंदगी बसर की और अल्लाह ताला ने उनको एक अमानत का हामिल बनाया तो उसको उन्होंने पूरी तरह निभाया और खास खूबी उनकी क्या है वो कानत मिनल कानितीन, फर्मा बरदारों में से थी अल्लाह ताला हमें भी अपना फर्मा बरदार बनाए व आखिर दावाना अनिलहमद रबीन सुबहानदा अशद अल्लांता استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر الله